अभी तेज भी आया है, उससे भी बात कर रहा हूँ, चल रहा है, जानते ही हो आप लोग। ऐसे आज मैं जल्दी आया था क्लास में, आज काफी जल्दी आया था। नॉर्मली मेरा लेट होता है, मैम का क्लास खत्म होने के बाद आता हूँ, आज पहले आया। हाँ, लेकिन फिर भी लेट हो। 7, 7:10 में मैं रेडी हो गया था, आज टाइम पे लूंगा, फिर देखो नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि टाइम में हो जाए सब कुछ, फिर भी इस टाइम मेरे साथ नहीं आना चाहता। अलग कहानी है, बाद में बताएंगे। सीनियर है आपका। ये का स्टूडेंट है, वो बीच में छोड़ दिया था, वो कंटिन्यू करना चाहता है, बट वही आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग कदर नहीं कर रहे हो। उसके पास टाइम नहीं है, वो कदर करना चाहता है लेकिन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो एज हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ गया, बट वो पूरा मतलब मेरे भरोसे। सर आप बताओ कैसे करूँ, करना तो है। देखो भाई, इंसान खुद से अगर उम्मीद नहीं छोड़ता है तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि नहीं होगा, ठीक है। बस वही चीज है कि भाई डेडिकेशन पूरा देना है, सीए बनना है तो डेडिकेशन देना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बनो, सीए बनो, सीएस बनो, सीएम, डेडिकेशन तो चाहिए सर, फुल डेडिकेशन चाहिए, तब जाके तुम बन पाओ। अब जो भी काम है तुम्हारा, जैसे मानो जो जॉब करते, जैसे वो बिजनेस करता है, ठीक है, फैमिली बिजनेस है, अब फैमिली बिजनेस को संभालते संभालते ही तुमको मैनेज करना। अब तुम अगर बोलोगे नहीं हम छुट्टी लेके करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना, घर कैसे चलेगा फिर, ठीक है। अब उसका मुश्किल बढ़ रहा है, इसलिए बोलते हैं सर समय रहते रहते कदर करो, नहीं तो ये समय नहीं मिलेगा। ठीक है सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गप्पे बाजी चलता रहेगा, पढ़ाई करते रहेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है ना, GST। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और स्क्रीन में चार्ज में काफी सारा डिस्कशन चल रहा है, चार्ज अंडर GST। तो चार्ज बहुत वाइटल एक टॉपिक है, चार्ज अंडर GST इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर क्यों चार्ज में क्या क्या अच्छा बात है सर? चार्ज क्या है ना, चार्ज मैंने बेसिकली क्या, जब आपको जबरदस्ती सरकार बाध्य करता है टैक्स देने के लिए, उस चीज को चार्ज कहते हैं। कंपलसरी जो कॉन्सेप्ट है कि भाई देना पड़ेगा, है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते, देना पड़ेगा माने देना पड़ेगा। अब सरकार का रूल्स कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है, वो अलग बात है, पर हाँ ये बात भी मानना पड़ेगा कि देश चलाने के लिए सरकार को काफी सारा कुछ करना पड़ता है, कभी वो चीज सही होता है, कभी गलत होता है। सरकार का दोष निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब हम लोग तो बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट का दोष ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज देयर, वो ढूंढ रहा है, ढूंढेगा, है। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट का एक गलती पकड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट, उसको लेके अभी बातचीत चल रहा है, बहुत ज्यादा चला। तो वो ब्लैक मनी को कम करने के लिए बिजनेसमैन से जो बॉन्ड ले रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके तहत बीजेपी को 6,000 करोड़, टीएमसी को 1,750 करोड़ से ज्यादा फंडिंग मिला, ठीक है, कांग्रेस को 13,000 करोड़, ऐसा कुछ, 13,000 नहीं, 1,300 करोड़, सॉरी 13,000, 1,300 करोड़ सबसे ज्यादा बीजेपी को ही मिला है। तो लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके बैन कर दिया। कुछ बड़े बड़े कंपनीज, किसी ने 600 करोड़ का डोनेशन दिया, किसी ने 500 करोड़ का, किसी ने 60 करोड़ का, किसी ने 5 करोड़ का, बिग बिग डोनेशन, डोनेशन इन द सेंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके नाम पे बहुत बात चल रहा है उसके बारे में। अभी गवर्नमेंट लागू किया था, करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया था, लेकिन सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, कंप्लीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सरकार का भी विरोध करने के लिए सिस्टम इज देयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार जो भी करता है एकदम सही करते। अच्छा ठीक है सर। सर आज ना आप लोगों को मैं बताऊंगा सर क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, अंडर जीएसटी। लास्ट क्लास में मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह में बात किया था, याद है ना सर? हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे बात हुआ, फिर आपके साथ मैंने क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा डिस्कशंस किया, इंटरेस्टिंग था,
रिमुनरेशन पे बातचीत हुआ, फिर आपका सबसे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन था सर ट्रांसपोर्टर, है ना, जीटीए सर्विस, याद है? हाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसका जीएसटी का कॉन्सेप्ट, कभी 12% तो कभी 5% तो कभी कभी 12 कभी 5, दो केस होता है, और कभी कभी आरसीएम में आ जाता है, कभी आरसीएम में नहीं आता है ना, भूल जा रहे हो सर। हाँ 12% टैक्स में क्या होता है, 5% टैक्स में क्या होता है, 12% में आईटीसी मिलता है, 12% फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? वेरी गुड सर, 12% फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड माने जो ट्रेडिशनली होता है, और 5% 5% नॉर्मली रिवर्स है, फॉरवर्ड भी है, ठीक है, नहीं मिलेगा 5% में, कभी भी नहीं मिलेगा, फॉरवर्ड में भी नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो देखो ना आपके सामने है, ये देखो, सॉरी, हो गया, ये रहा 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% फॉरवर्ड चार्ज, और रिवर्स चार्ज पे भी 5% होता है, ठीक है, उसमें जो रिसिपिएंट होता है उसको देना पड़ता है। बहुत बात किया सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में रिवर्स चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी बहाने से पूछ ही देता है, ठीक है। रिवर्स चार्ज को इग्नोर ना करें, क्योंकि सर फॉरवर्ड चार्ज तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि भाई जो सप्लायर है प्रोडक्ट को सेल करेगा और सेल करने के टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, दैट्स अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और यही होता है, ठीक है। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, या कहानी में ऐसे ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं देश में बिजनेस करने के टाइम पे, जब रिसिपिएंट को टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ता, ठीक है। रिसिपिएंट माने जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, माने परचेस कर रहा है, परचेस करेगा वही और जीएसटी भी गवर्नमेंट को वही देगा, नॉर्मल बात ऐसे नहीं है, जो सेल करता है टैक्स वो देता है। ये जो आज जीएसटी है, कभी एक जमाने में इसका नाम हुआ करता था सेल टैक्स, जीएसटी से पहले वैट नाम से पॉपुलैरिटी मिला था और वैट से पहले सेल टैक्स के नाम पे पॉपुलैरिटी मिला था। कभी घर पे माँ पापा को पूछना, स्पेशली पापा लोगों को पूछना, अगर माँ वर्किंग लेवल में है तो शायद कनेक्ट कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पूछना कभी घर पे, जो उनको पता है जीएसटी वगैरह के बारे में, तो वो लोग ना जीएसटी जीएसटी नहीं जानता था, बचपन में सेल टैक्स के बारे में बहुत जानता। इवन तुम लोग जो लोग सॉल्ट लेक के बगल से एक रास्ता आता है, बेलेघाटा बोल की जगह है ना सर, बेलेघाटा, वहां पर सेल टैक्स आज भी है, ठीक है, बेलेघाटा में सेल टैक्स आज भी है, वहां पर कोलकाता का सेल टैक्स है, जब भी कोई गाड़ी वहां से निकलते हैं सेल टैक्स वाले उसको पकड़ते हैं, ठीक है, बेलेघाटा सेल टैक्स, फिर सेल टैक्स पकड़ के क्या करते हैं, गाड़ी चेक करता है कि जितना सामान गाड़ी में है वो सारा सामान सेल टैक्स दिया हुआ है कि बिना वैट का है, बिना सेल टैक्स का है कि बिना जीएसटी का है। वही तो बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली सेल टैक्स ही मॉडर्न वर्जन में जीएसटी है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो पुराने जमाने में सेल टैक्स हुआ करता था वो आज के जमाने में जीएसटी है, बस दैट्स इट, और कुछ। तो सेल टैक्स नाम कहाँ से आया, क्योंकि सेलर पे करता है इसलिए सेल टैक्स, तुम सेल करने के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करो सरकार को जमा करो, दैट्स वाई नाम सेल टैक्स है। आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों नाम है, क्योंकि गुड्स पे भी लगा जाते हैं सर्विस पे भी लगा जाते हैं, इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मिडिल में क्या हुआ था ना, आप लोग भी शायद थोड़ा बहुत देखे हो, 2017 के 1 जुलाई से पहले आप लोग बिल्कुल देखे होंगे, शायद उस टाइम पे एज कम था तो उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप स्कूल लेवल में थे हार्डली, ठीक है, 2017 सर कौन क्लासे पढ़ते, टेने पढ़ते, चलो तो बूझते कर। तो मानो कि उस टाइम पे ना, मानो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, लाइक पिज्जा हट में पिज्जा खाने जाते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उतना पैसा तो होता नहीं था, ऊपर से एक तो तुम पिज्जा खाओ महंगा होता था उस जमाने में और ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे लोकल पिज्जा वेंडर कम था, आजकल जैसे कि ना लोकल दुकानदार को पिज्जा बनाना आ गया, बट पहले ना पिज्जा हट डोमिनोज छोड़ के पिज्जा का दुकान में, मैंने पिज्जा दुकान होता ही नहीं था ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। फिर भी मैं मुंबई गया था उस टाइम पे, मुंबई में मेरे को मिला था बहुत, ठीक है, क्योंकि मुंबई में ना ब्रेड जैसे टाइप का चीज बहुत ऐसे मिलता है तो वो लोग जल्दी से गए। कोलकाता में पिज्जा माने ब्रांडेड पिज्जा, ठीक है, और पिज्जा हट के सामने डोमिनोज के सामने लाइन लगा के बाइक होता था, जैसे अभी डिलीवरी का बाइक दिखता है ना, पहले जो है ना डोमिनोज पिज्जा हट के सामने ना एकदम बाइक,
आजकल उतना नहीं है उन लोगों का, वो मोनोपोली चला गया, क्योंकि आजकल नॉर्मल दुकानदार को पिज्जा बनाना आ गया सर। और हम लोग भी ऑर्डर करते हैं नॉर्मल दुकान से, केशवपुर का पिज्जा, कुछ दुकानदार अच्छा पिज्जा बनाते हैं कम्पेयर टू डोमिनोज, ठीक है। तो उस टाइम पे एक पिज्जा खाने जाओ, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पिज्जा कम से कम 299 दाम लिख के रखता, ठीक है। तो मैं एक दिन बोला मैम को कि चलो पिज्जा खाते हैं, ठीक है। तो फिर पिज्जा खाने के लिए मैंने देखा ना 299 ऑनली लिखा है, तो फिर 299 देख के घुस तो गए। खादी बगान में एक दुकान था, अभी भी है शायद। अब 299 तो उसका दाम है, दिया इतना सा, दो टुकड़ा खाया जैसे कुत्ता को बिस्किट देते हैं, ठीक है। ऊपर से जीएसटी और वैट और सर्विस टैक्स, 14% वैट लिया और 14% सर्विस टैक्स लिया, 28%। वैट के नाम पे 14% क्योंकि गुड्स है, और क्योंकि रेस्टोरेंट का सर्विस है तो सर्विस टैक्स अलग से 13 या 14%। अब तुम पिज्जा क्या खाओ, एक तो कुत्ते की तरह दो चार दाना दे दिया बिस्किट की तरह, उनका गलती नहीं है, ठीक है। ऊपर से 28% जीएसटी, अरे कम से कम 500 टका का बिल हुआ। अब सोचो कॉलेज डेज में, ठीक है, स्ट्रगल पीरियड में 500 टका जिसको खा के पेट भी नहीं भरता है। चलो ठीक है, मान लिया हाय, चल चलो ठीक है, 500 टका खर्चा किया, ना तो मन भरा ना तो पेट भरा। उसके बाद से उस टाइम पे उस पीरियड में जो याद है सर, पिज्जा दुकान देखते ही चलो यार बेकार चीज है ना, कम से कम 500 टका खर्चा करके तीन इंसान का पेट भर जाना चाहिए। कोलकाता जैसे अच्छा रेस्टोरेंट में पेट भर जाएगा, 150-200 में आराम से पेट भर जाता है और अच्छा खाना मिल जाएगा, ठीक है। उतना का कुछ भी नहीं हुआ तब से ना, स्ट्रगल पीरियड में पिज्जा खाते ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा मैं आपको क्यों बोला हुआ, क्योंकि वो वैट सर्विस टैक्स दो दो कॉम्बो प्रोडक्ट का दाम और बढ़ा देता था, इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में इसको कॉम्बो करके गुड्स का एंड सर्विस को मिक्स करके एक टैक्स लगाने का सोचा, समझ में आ रहा है। सर कोई बोलेगा सर 28% तो अभी भी है, लेकिन सर फूड वगैरह में जीएसटी कम है अभी, अभी इतना 14% 18% नहीं है, 5% जीएसटी लगता है, समझ में आ रहा है सर। तो ठीक है, आप देखना चेक करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिसेंटली ये बहुत इसके लिए बहुत हुआ भी है रेस्टोरेंट बिजनेस में, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस अगर इतना जीएसटी में चला जाएगा ना तो पब्लिक पसंद नहीं कर रहा था, तो बहुत मुश्किल है। अच्छा आज का डिस्कशन क्या रहेगा सर, आज का मेन डिस्कशन में दो पॉइंट पे करना चाहता हूँ, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी में बात करूंगा थोड़ा सा, और दूसरा मेरे को आपको ना बात करना है, एक तो क्लासिफिकेशन जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट्स के साथ साथ एचएसएन कोड एसएससी कोड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सर आज का कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, थोड़ा वेट कर जाओ यहाँ तक आने के लिए, सेक्शन 10 में आता है। बट उससे पहले ना मैं थोड़ा आपको ये हेडिंग साबेडिंग इसका एक बार आइडिया देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेरी सिंपल, ये ज्यादा माथा लगाने वाला चीज नहीं है, ये गुड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से जीएसटी करता है, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप का गुड्स है, तो उसको ना लॉ के अंदर जीएसटी एक क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अंदर जीएसटी को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि भाई कुछ सेक्शन बनाया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम इन विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड, फिर उसके अंदर सेक्शन दिया, चैप्टर दिया, हेडिंग दिया, सब हेडिंग दिया, टैरिफ आइटम। तो टैरिफ आइटम माने टैक्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या यही चीज होता है, ये सिस्टम लिख सकते हो कि किस तरह से प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है, सेक्शन पे, चैप्टर पे, हेडिंग पे, सबहेडिंग पे और टैरिफ आइटम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि सर चैप्टर, हेडिंग, सबहेडिंग, टैरिफ आइटम रेफर्ड इन शेड्यूल्स ऑफ रेट नोटिफिकेशन फॉर गुड्स अंडर जीएसटी आर अंडर चैप्टर, माने बेसिकली ये जो शेड्यूल्स ऑफ रेट माने किस प्रोडक्ट का क्या रेट रहेगा, ठीक है, इसके बारे में, किस प्रोडक्ट का क्या रेट रहेगा इसके बारे में चैप्टर में बात करते हैं। हेडिंग सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम फॉर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, फिर इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन एचएसएन। सर व्हाट इज एचएसएन,
HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। चलो मैं आपको एक काम करूं, हाँ, उसका एक मतलब होता है, एक मिनट रुको, मैं इसका नया मेरे पास एक शॉर्टर नोट्स है, मैं रेडी करना भूल गया, एक सेकंड। मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। HSN एंड SSC कोड को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है वो बताने से अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये स्मॉल नोट्स में आपको पूरा बात समझ में, जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं अभी आपको शेयर करूँ, इतना सारा चीज पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सर मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ किया, दो सेकंड के लिए। तुम लोगों से बात करते करते ना मैं सोचा था पहले ये वाला नोट्स मुझे निकालना है, पर मैं भूल गया, चलो मिल गया, अच्छा है, जल्दी मिल गया। स्क्रीन शेयर है, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो तो। सर स्क्रीन रे शेयर हुआ सर? हाँ यस सर। ओके देखो, अभी देखो, अब जो मैं आपको यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा था कि ये जो प्रोडक्ट को किस तरह से क्लासिफाई करता है, और उसके लिए जो HSN कोड है और ये जो SSC कोड है, इसके लिए ना HSN कोड बेसिकली गुड्स के लिए होता है और SSC कोड सर्विस के लिए होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि अब ये सब क्लासिफाई करना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड वाइड ना बिग पैरामीटर में होता है। हम लोगों का आइडिया भी नहीं है कि इंटरनेशनली बिजनेस किस लेवल में चलता है। हम लोग एक छोटा मैंने छोटा सा एरिया में रहते हैं और हमको लगता है ही हमारा दुनिया है, बट दुनिया सीरियसली इट्स रियली बिग और इसमें बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि हम लोग कुआं का मेढक बन के बैठे रहते हैं और हमें लगता है ही दुनिया है, ठीक है। अप्रॉक्स 5000 कॉमोडिटी ग्रुप है, कॉमोडिटी ग्रुप, कॉमोडिटी नहीं, कॉमोडिटी का ग्रुप है, मैंने एक आइटम का उसका सब आइटम वेराइटी हो सकता है, ओवरऑल 5000 टाइप ऑफ कॉमोडिटी ग्रुप है। अब इतना सारा ग्रुप ऑफ कॉमोडिटी को कैसे कोई पहचानेगा, सबका अलग अलग नाम से मुश्किल हो सकता है। तो जब इंटरनेशनली गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैटर को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, इंडियन पोर्ट से अमेरिकन पोर्ट, अमेरिकन पोर्ट से यूरोपियन पोर्ट, यूरोपियन पोर्ट से अफ्रीकन पोर्ट जाते हैं ना अलग अलग देश में, है ना, कभी हमारा प्रोडक्ट वो लेता है, उनका प्रोडक्ट हम लेते हैं, तभी तो दुनिया का ये पूरा बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है सर, है ना। बिजनेस हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, असल बिजनेस तो समुंदर में होता है, असली बिजनेस थोड़ी ना रोड पे होता है, असली बिजनेस समुंदर में होता है, ठीक है। समुंदर में जो बड़ा बड़ा जहाज जो करता है ना, वही तो इंटरनेशनल बिजनेस का मेन चीज है, इसीलिए तो समुंदर में डाकू भी होता है, तो पायरेट्स ऑफ बे हुआ था ना कौन सा मूवी, हाँ पायरेट ऑफ कैरिबियन ना, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया में भी एक बना था, अच्छा नहीं बना, एक सैफ अली खान ने एक बनाया था, क्या है भूल गया, एक सैफ का बना था और एक आमिर खान अमिताभ बच्चन मिलकर एक बनाया था, बेकार हुआ सब, सुपर टूपर फ्लॉप हो गया। हाँ इसीलिए याद नहीं, मैं उसको आमिर खान और अमिताभ बच्चन वाला मूवी में देखने बैठा था, 4-3.5 घंटे का मूवी था, 1 घंटा बैठने के बाद ना ऐसा मन कर रहा है कि कब खत्म होगा, फिर देखा नहीं। मैं नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता, मैं कितना भी बोरिंग हो मैं खत्म करके उठता हूँ, मेरा बड़ा पेशेंस लेवल ही अलग है, बोरिंग चीज पे भी मैं पेशेंस रख लेता, ठीक है, लेकिन वो मूवी में पेशेंस नहीं रख पाया। मैंने मैम बोला कि तू पेशेंस नहीं रख पाया तो कोई नहीं देख सकता इसको, क्योंकि पेशेंस के बारे में मेरा एक अलग ही एक क्वालिटी है, अगर मेरा पेशेंस नहीं है मतलब कोई नहीं देख सकता। ये हालत था, क्या नाम भूल गया मैं, लेकिन सीरियसली बड़ा बोरिंग कर दिया था। देखो तो अब आपको मैं बताता हूँ, ये HSN और SSC कोड फाइंड आउट करना भी मैं आपको दिखा दूंगा, मार्केट में बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर है,
गवर्नमेंट के साइट के अंदर भी डेटा रिट्रीव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहले जान लो। तो HSN 4 स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। HSN कोड बेसिकली एक 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड है दैट क्लासिफाइज 5000 प्लस प्रोडक्ट्स एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। It was developed by the World Custom Organizations and it came into effect from 1988. आज का नहीं है सर। अब इसमें how does HSN code work? काम कैसे करता है? सर 5000 commodity group है। Each identified by a 6-digit code arranged in a legal and logical structure. It is supported by well-defined rules to achieve uniform classifications. मजाक नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये एक problem solving skills हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया, और वो भी एक कंट्री का नहीं, सारा वर्ल्ड मिलके किसी एक मुद्दे पे आना और एक प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना, 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, इट्स कोई जोक नहीं है। सो व्हाई इज HSN इंपॉर्टेंट? सो द मेन पर्पस ऑफ HSN इज टू क्लासिफाई गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर एंड दिस ब्रिंग्स इन यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मैं आपको एक GST बिल दिखाता हूँ। जस्ट एक सैंपल निकालना चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं। कोई और नहीं मिली GST इसमें, इसमें HSN है। इसमें हो सकता है, हाँ इसमें, इसमें है, पर ये वेब फाइल है, डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जब जरूरी होता है क्यों नहीं मिलता? अरे बेसिकली मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ सर कि GST का जो बिल होता है ना, अब अगर गौर से देखोगे कभी GST बिल को, तो GST बिल के अंदर HSN कोड होता है, ठीक है, HSN कोड भी होता है और SSC कोड भी होता है। अगर कभी अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल दिखेगा, कभी अच्छे से देखो, नॉर्मली कोई देखता नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है कि देखता नहीं है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा मिल रहा है, मिल नहीं रहा है मुझे सर, मिलेगा तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, अभी टाइम पे भी मिल नहीं रहा है, मिल जाता है नॉर्मली, बट आज क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं, शायद तो चेंज हो गया इसका, नहीं तो नॉर्मली हमेशा मेरे को मिल जाता है, आज नहीं मिल रहा है, किस्मत खराब है इस बार, ठीक है, लेकिन आप लोग ढूंढना सर, ठीक है, कोई भी GST बिल फाइंड आउट करना, उसके अंदर आपको HSN कोड दिखेगा, हर प्रोडक्ट का होता है। तो यहाँ पर ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। So the HSN system is used by more than 200 countries and economic for reasons such as, एक तो uniform classification मिलता है, दूसरा base for their custom tariffs होते हैं, and तीसरा collections of international trade statistics, collections for international trade statistics. Over 98% of the merchandise in international trade is classified in terms of HSN. 98% of the merchandise माने goods, ठीक है, in international trade is classified in terms of HSN, Harmonized System Nomenclature. Each commodity is accepted by most of the countries. The HSN number remains same for almost all goods. However, HSN number used in some countries varies little. किसी किसी countries में थोड़ा बहुत changes देखने को भी मिलता है, based on the nature. जैसे India में World Custom Organizations since 1971 से काम कर रहा है। इट वॉज ऑरिजिनली यूजिंग 6-digit HSN कोड, स्टार्टिंग किया था 6 digit से, बट आजकल 8 digit भी चलता है। 6-digit HSN कोड से स्टार्ट किया टू क्लासीफाई कॉमोडिटी फॉर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। कस्टम लगता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे और सेंट्रल एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चर, ठीक है, जब भी आज भी एक्साइज डिपार्टमेंट है सर, ऐसे एक्साइज डिपार्टमेंट भी जीएसटी के साथ मार्च करके काम करता है, बट एक्साइज डिपार्टमेंट इज देयर। एक्साइज का मतलब होता है जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर फैक्ट्री से निकलेगा, सरकार के घर में ड्यूटी देके निकलेगा, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ टैक्स जो अभी बहुत केस में जीएसटी के साथ मार्च हो चुका है।
लेटर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एडेड टू मोर डिजिट, पहले छह था अब और दो एड कर दिए टू मेक द कोड्स मोर प्रिसाइज रिजल्टिंग इन एट डिजिट क्लासिफिकेशन. तो स्टार्ट किया था सिक्स से, अभी बाद में और दो एड किया तो आठ हो गया. सर क्यों एड किया? सर कुछ तो कारण होगा, फालतू में कुछ भी नहीं हिलता, फालतू में तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है और फालतू में पेड़ का पत्ता चुपचाप भी नहीं रहता है. आपको पता है जैसे अभी गर्मी लग रहा है ना, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया है, गर्मी भी बहुत हुआ है. अगर आप देखोगे पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा है, इसके पीछे भी रीजन है, इसका मतलब आसमान साफ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्लाउड कवर करके रखा है और क्लाउड इतना ज्यादा है कि समुद्र से हवा को एंट्री नहीं करने दे रहा है और ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है वेदर में, एक दो दिन में बारिश देने का चांसेस बढ़ता है. तो पत्ता ना हिलने का भी कारण होता है और पत्ता जरूरत से ज्यादा हिलने का भी कारण होता है और पत्ता नॉर्मल हिलने का भी कारण होता है. सब नजरिया है सर, नॉलेज के साथ नजर करोगे तो रास्ते में चलते चलते समझ सकते हो कि भाई क्यों चुप है पत्ता, क्यों हिल रहा है पत्ता, ठीक है, और क्यों नॉर्मल है पत्ता. तो पत्ता को देख के भी समझा जा सकता है. अरे पत्ता तो छोड़ो, चींटी को देख के समझा जा सकता है. अगर चींटी, चींटी माने पिपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, पिपड़ी अगर अपने क्या बोलते हैं उसको, उसका जो घर होता है ना, घर के अंदर घुस जाता है बहुत जल्दी 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 जल्दी, नॉर्मली बाहर रहते हैं जल्दी जल्दी घुस रहा है ना, उसको पहले से खबर होता है बारिश होने वाला है. कभी देखो ऑब्जर्व किए कभी, पता है ना, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं किए करना सर, कहीं पर भी खड़े हो ना और मिट्टी जहाँ मिट्टी के साथ घर के अंदर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. मैंने बेसिकली घर के अंदर तो हम लोग घर पे रह रहेंगे ना, हम लोगों का भी कनेक्टिविटी सब टूट गया है, नेटवर्क हम लोगों का खराब हो चुका है, हम लोगों का नेटवर्क अभी पहले जैसा नहीं है इंसान का, लेकिन अभी भी नेटवर्क अच्छा है ये जानवर लोगों का, कीड़ा मकोड़ा का, वो समझ जाता है बहुत कुछ चीज पहले समझ जाता है. चलो ये सब बात बोलेंगे नहीं तो बोले वेदर डिपार्टमेंट का क्लास है क्या, जीएसटी पढ़ाओ ना. तो सिक्स डिजिट कोड से आठ डिजिट कोड का जन्म हुआ. अंडरस्टैंडिंग द एचएसएन कोड, द एचएसएन स्ट्रक्चर कंटेन्स 21 सेक्शंस विथ 99 चैप्टर्स, 21 सेक्शंस विथ 99 चैप्टर्स एंड अबाउट 1244 हेडिंग्स एंड 5224 सब हेडिंग्स. याद रखना सर, लिख लो, ऐसे नोट मिल जाएगा, ऐसे नॉर्मल लिखना चाहते हो तो लिखो. एचएसएन स्ट्रक्चर में क्या होता है, 21 सेक्शंस होते हैं, 99 चैप्टर्स होते हैं, 1244 हेडिंग्स होते हैं, 5224 सब हेडिंग्स होते हैं. सर क्या रहता है ये सब में, ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, हर सेक्शन में चैप्टर होते हैं, ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू हेडिंग्स एंड ईच हेडिंग इज डिवाइडेड इनटू सब हेडिंग्स. एक एक सेक्शन के भीतर चैप्टर था, ईच सेक्शन के डिवाइड करा हुआ है चैप्टर में, सेक्शन को डिवाइड किया चैप्टर में, चैप्टर को तोड़ा हेडिंग्स में, हेडिंग्स को तोड़ा सब हेडिंग्स. अभी समझ में आ जाएगा, डोंट टेक नोट. सेक्शन एंड चैप्टर सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस नाम का भी चीज होता है. सेक्शन एंड चैप्टर टाइटल्स डिस्क्राइब ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ गुड्स. सेक्शन एंड चैप्टर क्या करता है, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ गुड्स को बताते हैं और हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या करता है, उसका डिटेल को बताता है. फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन एंड चैप्टर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ गुड्स के बारे में बताता है और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स उस गुड्स का डिटेलीकरण करता है. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया सर, आप चाहो तो गूगल करके वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट का निकाल के ट्राई कर सकते हो, रिसर्च करके देख सकते हो, ठीक है. यहाँ पर मिला है सर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ में क्या होता है, रुमाल, ठीक है, ठीक है, रुमाल लेके क्या गाना एक था ना, भूल गया, चलो रुमाल को लेके बड़ा बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है, ठीक है, अच्छा मलमल का क्या क्या सब बोलता है. हैंडकरचीफ मेड ऑफ टेक्सटाइल मैटर्स 62.13.90 छह कोड है ना इसमें, इसमें 62 क्या दर्शाता है, ये एक्चुअली कोड है हैंडकरचीफ्स का, ठीक है. हैंडकरचीफ्स जब टेक्सटाइल मैटर्स है, बेसिकली एक टेक्सटाइल चीज है,
अब इसमें 62.13.90, इसमें 62 पहले दो डिजिट है, ये बताता है चैप्टर नंबर फॉर आर्टिकल्स और अपैरल। आर्टिकल मैंने कंपनी लॉ का आर्टिकल, क्या कौन सा आर्टिकल है ये? यहाँ पर इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आर्टिकल बताता है और कभी नॉर्मल सामान को भी तो आर्टिकल बोलते हैं। थिंग्स एंड आर्टिकल, थिंग्स वस्तु को आर्टिकल बोलते हैं। वेरी फनी, मैं समझ नहीं सकता, ठीक है। अब ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है सर, मुझे सीरियसली अंग्रेजी का इतना सेंस मेरे को नहीं है, बस जितना यूजेबल सेंस है उतना ही बता रहा हूँ। ज्यादा पूछताछ करना है ऑक्सफोर्ड जाओ, चिट्ठी लिखो ऑक्सफोर्ड वाले को, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल का मतलब है वस्तु, चीज, ठीक है। आर्टिकल ऑफ अपैरल, अपैरल तो जानते हो है ना, कपड़ा ये सब चीजों को बोलता है। एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज नॉट नीडेड और कॉर्सेटेड, ठीक है। मैंने वो जो एक होता है ना उलेन होता है ना, सिलाई वाला उलेन होता है ना, कॉर्सेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट नीडेड और कॉर्सेटेड, तो 62 बेसिकली उस आर्टिकल और अपैरल के बारे में बात करता है जो कि आर्टिकल है, अपैरल है, क्लोथिंग एक्सेसरीज है, बट नॉट नीडेड और कॉर्सेटेड। इस तरह का प्रोडक्ट को 62 में बताया गया। अब जो कस्टम ऑफिसर काम करता है ना, वो 62 देख के समझ जाएगा इसमें कौन सा प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है सर? सर कैसे समझेगा, बहुत ज्ञान होना चाहिए, किसी भी चीज को रोज रगड़ो तो ना तो वो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। डेली जो चीज, जैसे मानो वो बंदा जिम करता है, ठीक है, अब उसको जिम के अंदर कौन सी चीज में क्या होता है सब पता है। अब जैसे मैं देखो, मैं नॉन जिमर हूँ, ठीक है, मेरे को जिम का नॉलेज एकदम जीरो है, ठीक है। अब मैं को अगर जिम में जाके बोलेगा, मैं बोलूंगा भाई उठक बैठक करने बोलो कर दूंगा, ठीक है। मेरे को बोलो भाई थोड़ा सा पुशअप करने के लिए नॉर्मल में थोड़ा कर सकता हूँ, 10-12 बार स्क्वाट्स बोलते हैं उठक बैठक को, स्क्वाट्स बोलते हैं उसको, उठक बैठक को, ठीक है। अब मेरे को मानो कि कोई मशीन को कैसे करना है, मेरे को कुछ बोलेगा, ठीक है, दर्श मेरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अब बोलेगा मानो इसको उठाओ ऐसे उठाओ, मैं तो नहीं पता। अब मेरे को ट्रेनर जब तक नहीं सिखाएगा, मैं सीरियसली मैं एकदम आदमी हूँ, तो मेरा ट्रेनर बन जाएगा, अच्छा ठीक है। तो क्या बोल रहे, जिम ज्वाइन करे पेट कम करने के लिए, अच्छा करो ना, फिर क्लास बंद हो जाएगा। सिक्स पैक कमीशन बोल के एक एडवर्टाइजमेंट चले गए यहाँ पर। तो 62 समझ गए सर। नेक्स्ट टू डिजिट 13, 62.13, 13 क्या रिप्रेजेंट करता है, हेडिंग नंबर फॉर हैंडकर्चीफ्स। सर 90 क्या डिस्क्राइब करता है, इज द प्रोडक्ट कोड फॉर हैंडकर्चीफ्स मेड ऑफ अदर टेक्सटाइल्स मटेरियल्स। लास्ट टू डिजिट जो 90 है, इज द प्रोडक्ट कोड फॉर हैंडकर्चीफ्स मेड ऑफ अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स। इंडिया हैज टू मोर डिजिट फॉर डीपर क्लासिफिकेशन, इंडिया और तो ऐड किया ताकि और क्लासिफाई हो सके। If the handkerchiefs are made from man-made fiber, then HSN code is 62.13.90.10. Man-made माने एक होता है artificial और एक होता है polyester types जो होते हैं और एक होता है natural. Very good sir. ठीक है, एक होता है normal natural type का, ठीक है, और एक होता है जो हम लोग factory में बनाते हैं, ठीक है। तो अगर man-made fiber होगा, जैसे पालिस यूज करते हो ना घर पे, पालिस को क्या बोलते हैं, पिलो, ठीक है। तो पिलो जो हम लोग यूज करते हैं, उसपे देखना एक तरह का तुला होता है जो शॉपिंग मॉल में मिलता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में जो ज्यादातर मिलता है ना, वो सब ये वाला आर्टिफिशियल टाइप का है, उसपे सोने से कुछ सालों बाद, मतलब एक साल में तुम्हारा क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनिटीज होता है ना सर, घाड़ में दर्द होना, ये होना, ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। वो जो शॉपिंग मॉल में जो मिलता है, वो कभी कभार एक आध दिन यूज कर लिया ठीक है, कुशन के हिसाब से ठीक है, घर में टीवी देख रहे हो बैठ के ठीक है, लेकिन डेली बेसिस में उसमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब ना फाइबर वाला तुला होता है और दैट इज नॉट। अगर ओरिजिनल होगा सिमुल तुला बोलते हम लोग उसको बंगाली में, सिमुल तुला का बालिश होता है, पिलो होता है, वो वाला पिलो लो, नॉर्मल दुकान में जाके बोलो हमको सिमुल तुला वाला चाहिए। अगर वो सिमुल तुला बोल के तुमको कोई नॉर्मल तुला भी दे दिया, लेकिन वो तुला नॉर्मल मैंने देसी पेड़ का होना चाहिए, पेड़ वाला तुला नेचुरल, तो भी चलेगा। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको मैं समझाने के लिए बोल, ठीक है। तो
हाँ होता तो है। अब शहर के लोगों को क्या पता कि शॉपिंग मॉल में जो बने जो पीलो मिलता है उनको लगेगा कि पीलो ऐसा ही होते हैं, उसको ओरिजिनलिटी और नेचुरल चीज में सिटी के लोगों को पता ही नहीं होता। और मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान भगवान के क्यों दिया, क्योंकि मैंने गांव का जीवन भी देखा और मैंने शहर का जीवन भी देखा। ठीक है, ये खूबी है। और 90s का किड्स का एक सुविधा क्या होता है जानते हो, हम लोग 90s भी देखे हैं, हम लोग 2000 भी देखे हैं, इसमें ना हम लोग दोनों जनरेशन को एक साथ देखे हैं, ये सुविधा हम लोग। क्योंकि 2000 के बाद वाला जो जनरेशन है वो एक तरफा चीज देखा है और हम लोग बैकवर्ड चीज भी देखा है और फॉरवर्ड चीज भी देख रहा है, ये 90s किड्स का थोड़ा सुविधा है। डिसएडवांटेज भी बहुत हो सकता है, पर मैं डिसएडवांटेज से ज्यादा एडवांटेज देखना पसंद करता हूँ। नहीं सीरियसली, ये बैकडेटेड चीज क्या होता है वो भी मेरे को पता है। मैं इंडिया का स्लॉथनेस क्या है वो भी चीज हम लोग महसूस किए हैं। इंडिया का जो स्लॉथनेस है ना, मैंने मैंने वही सब कुछ एकदम बैकवर्डनेस, एकदम बेकार, स्लो, ठीक है, वो भी चीज देखा है। और ये जो फॉरवर्ड अभी जो मूवमेंट चल रहा है वो भी देख रहा हूँ सर, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और गाँव में जन्मा हुआ सर तो थोड़ा बहुत पता है, ये गांव में जन्म लेने का सुविधा है, कम से कम तुला का पेड़ होता है ये तो पता नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा तुला पेड़ में भी होता है। देखे हो कभी तुला का पेड़? तुला का जो फल होता है ना, वो फल अपने आप फट जाता है और फटने के बाद यही इसी मार्च के पहले इसी टाइम पे फटता है। हाँ, रुई निकल के पूरा हवा में उड़ता है। हाँ, कपास को तुला बोलता है। वेरी गुड सर, कपास इसे संस्कृत में कपास बोलता है। कॉटन, हाँ, वेरी गुड। तो तुला तो तुम लोग तुला नहीं बोलते? हाँ, कपास तो ठीक है, मैं समझ गया। हम लोग भालो भालो बांग्ला में क्या बोलते हैं? कारपास, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कपास। चलो अच्छा, इफ द हैंडकफ्स इज मेड फ्रॉम सिल्क और वेस्ट फ्रॉम सिल्क, देखो दो तरह का हो गया, ठीक है। मैनमेड होगा तो लास्ट में 10 आएगा। अगर वही चीज सिल्क का बनेगा या वेस्ट फ्रॉम सिल्क, मतलब सिल्क का वेस्टेज भी होता है। नहीं नहीं, डोनेट वाला नहीं, जब ओरिजिनल सिल्क को बनाया जाता है तो सिल्क को बनाने के टाइम पे जो ओरिजिनल सिल्क बना वो हाई क्वालिटी कपड़ा के लिए चला जाएगा, और उसको बनाने के टाइम पे कुछ सिल्क का वेस्टेज निकलता है, ठीक है, उसको रद्दी भी बोल सकते हो, वो भी अलग से मार्केट में अच्छा दाम पे बिकता है। मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़का लोगों को समझ में कम आएगा, लड़की लोगों को बोलता हूँ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को ये भी नॉलेज है, ठीक है। आप लोग कभी कपड़ा खरीदने जाते हो ना, माँ के लिए साड़ी खरीदने, खुद के लिए सलवार या चूड़ीदार खरीदने जाते हो ना, सपोज तुम गए हो वेस्ट बंगाल, कोलकाता के बड़ा बंगाली दुकान का नाम बोलता हूँ, ठीक है, आदि मोहिनी मोहन कांजीता, देखा कनेक्ट कर गया, तुम लोग नहीं कर सकते इसलिए बोला। अब ये कोलकाता का बड़ा फेमस बंगाली ओरिएंटेड कपड़ा का दुकान है, ठीक है, कॉलेज स्ट्रीट के एकदम मोड़ में है, ठीक है, आदि मोहिनी मोहन कांजीता। तो उसके अंदर जाओगे तो वो तुमको बोलेगा सिल्क साड़ी वैरायटीज दाम पे मिलेगी। पर मैं आपको एक जेन्युइन चीज बोलता हूँ, अगर ओरिजिनल सिल्क साड़ी होगा ना, ओरिजिनल सिल्क साड़ी या फिर ओरिजिनल सिल्क का सलवार अगर होगा, ठीक है, कोई दुपट्टा वगैरह पूरा सेट के साथ, 10,000 के नीचे दाम हो ही नहीं सकता, ठीक है, कम से कम 10,000 के स्टार्टिंग दाम रहेगा उसका। लेकिन फिर भी सिल्क का साड़ी नॉर्मल मिडिल क्लास लोग खरीद के लाते हैं 2,000 में, 3,000 में, 1,500 में भी मिल जाता है। Now question is that, तो क्या वो सिल्क नहीं है? वो सिल्क का वेस्ट से बनता है। देखा, कपड़ा का भी सेंस रखता हूँ, क्या सोचते हो कपड़ा दुकान चलाया? नहीं सर, ऐसे मजाक से बोला, मैंने जो भी चीज मैं पढ़ता हूँ ना, मेरा एक आदत है कि जहां पर मैं माल लोगों लेके जब जाता हूँ ना दुकान में, तो जो भी वो बोलता है ना दुकानदार लोग, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ कि भाई सिल्क का दाम तो बहुत होता है, भाई ये जो सस्ता में कैसे दे सकता है। फिर मैं धीरे धीरे सोचता हूँ, ठीक है, नुकसान कभी नहीं करेगा, कुछ तो है, तो वो मेरे दिमाग में कीड़ा बन जाता है कि भाई सिल्क ओरिजिनल सिल्क का दाम बहुत होता है,
ठीक है। और जैसे सबसे महंगा सिल्क है आसाम का मोगा सिल्क, आसाम का मोगा सिल्क, उसका एक साड़ी का दाम आई थिंक 50-60 हजार तो वही जाएगा। मोगा, मोगा सिल्क, आसाम मोगा सिल्क सर्च करो गूगल में, आपको मिलेगा, एक एक साड़ी मिलेगा, 1-1.5 लाख का साड़ी मिलेगा। देखो नहीं, साड़ी देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को थोड़ी गिफ्ट करना है आजकल, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई कितना महंगा होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, 5-6 हजार में नॉर्मल मिलेगा, ओरिजिनल मोगा दे ही नहीं, 40,000 प्लस, समझ गए सर, तो समझ रहे सर एचएसएन कोड का इम्पोर्टेंस। हाँ, मैंने कोड देख के तुम समझ सकते हो कि इसमें महंगा चीज है, सस्ता चीज है, क्या है, तुम कोड देख के समझ सकते हो, ये कोड कोई मामूली चीज नहीं है। अब देखो 62 चैप्टर एंड हेडिंग, ठीक है, 13 हेडिंग, 90 सब हेडिंग, 10 टेरिफाइड, और क्या समझाओगे, बाकी देशों में भी हो सकता है, हो सकता है, अब बाकी जो भी देश के साथ तो, हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा जो 8 डिजिट हुआ है वो टैरिफ आइटम को ऐड करते हैं। सेक्शन के अंदर बेसिकली ये सारा चीज लिखा रहता है, सेक्शन के भीतर एगुलो सब डिस्ट्रीब्यूट करा रहे, सेक्शन कतगुलो चैप्टर नहीं एक सेक्शन है, कतगुलो हेडिंग नहीं एक चैप्टर है, কতগুলো সাব হেডিং নিয়ে একটা হেডিং হয়, আর কতগুলো ট্যারিফ আইটেমটা হচ্ছে প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশন। চলো অনলাইনে থোড়া পুছ লেতে স্যার, বলো স্যার, সবকো সমঝ মে আ রাহা হ্যায়, হ্যাঁ কিউ বলতা হ্যায়, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ নাই বলতা, দেখো অ্যাকচুয়ালি টপিক আননোন হোতে সে, দেখো আগে অ্যাকাউন্টস বগেরা মে কিয়া হ্যায় না, थोड़ा सा नोन चीज होता है कि भाई तुम कुछ ना कुछ करते हो, बोलते रहते हैं, अब ये जीएसटी वगैरह जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, कभी सुना नहीं है जीएसटी इनकम टैक्स के बारे में। हाँ, जो लोग थोड़ा बहुत फिर भी कॉलेज पढ़ लिया है उनको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ज्यादातर केस में सब अननोन टॉपिक होता है, मेरा मेरे केस में ज्यादातर अननोन टॉपिक चलता है, अब अननोन टॉपिक में स्टूडेंट ज्यादा बोल भी नहीं पाता, आई नो दैट, क्यों नहीं बोल पाता, और अगर किसी ने कॉलेज में जीएसटी पढ़ा भी है, आई एम 100% श्योर जिंदगी में ये नाम नहीं सुना है, कॉलेज में अगर होता भी है ना, पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज का प्रोफेसर भी मेहनत नहीं करना चाहता और कॉलेज का स्टूडेंट को भी मेहनत करने का कोई इच्छा नहीं होता, एक आध कॉलेज को छोड़ के, मैं बोला उस दिन एक डेटा दिया ना आपको, इंडिया में सिर्फ 7% कॉलेज ऐसा है जहां का स्टूडेंट एम्प्लॉयबल है, बाकी 93% कॉलेज है जहां का स्टूडेंट एम्प्लॉयबल नहीं है, ये एक डेटा निकला है। सर्विस अकाउंटिंग कोड, एसएससी का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है, क्या चीज है, लाइक गुड्स सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड यूनिफॉर्मली फॉर रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड टैक्सेशन, ठीक है, like goods services are also classified uniformly for recognition measurement and taxation, codes of service are called service accounting code or SAC thank you sir. In simple matlab to yahi hai, for example legal documentations and certification service concerning patents copyrights and other intellectual property rights, mane basically service jo hota hai jaise code mein to goods ho gaya, अब सर्विस का तो बेसिकली तुमको अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस सिर्फ तुम ही देते हो और तुम चाहते हो कि ये सर्विस कोई और ना दे, तो तुमको उस सर्विस पे पेटेंट करवाना पड़ेगा कि दिस इज स्पेसिफिकली मैं ही देता हूँ। जैसे आपको एक चीज बता, तो गुड्स का हो जाएगा, रिसेंटली एक फैन के बीच में मैं एक चीज देख रहा था, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पेटेंट का क्या चलता है, सर्विस का मेरे को अभी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा शायद, एक कंपनी का मैं केस स्टडीज देख रहा था, वर्सेस क्या
पॉलीकैब भी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ये बहुत सारा ये सब इलेक्ट्रिकल आइटम बनाते हैं, और एटमबर्ग भी एक इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने वाला बड़ा कंपनी, स्पेशली फैन का मार्केट एटमबर्ग का रिसेंटली बड़ा डिमांडिंग हुआ है। एटमबर्ग ने एक फैन निकाला सर, 28 वाट का फैन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम एनुअली 1,500 कम करेगा। नॉर्मल फैन नॉर्मली अप्रोक्स 50 वाट 60 वाट का चलता है, वहां पर वो 28 वाट का फैन बनाया, इससे नॉर्मल वाट और भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो पॉलीकैब नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, एटमबर्ग ने इस तरह का एक अचीवमेंट किया, उस पर अवार्ड भी मिला इसका। अब एटमबर्ग का फैन का एक क्या बोलते हैं शेप है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा देखने में अलग है नॉर्मल फैन से, थोड़ा उसका ब्लेड का शेप, उसका ये क्या बोलते हैं इसको, जहां पर कॉयल होता है ना, वो कॉयल का एरिया थोड़ा डिफरेंट देखने में लुकिंग वाइज। तो बॉम्बे हाँ, हाई मेरे पास कोर्ट, रिमोट फैन, हाँ बोलो सर, उसका रिमोट वाला फैन है मेरे पास, मतलब रिमोट कंट्रोल से चलता है फैन। हाँ, दर्श के पास है एटम बार का, हाँ हाँ, महंगा भी नहीं है, बाकी फैन से थोड़ा बढ़िया भी चलता है, 6 6 टकन स्पीड होती है। एटम बार का है, दर्श के पास है फैन, ठीक है, रिमोट कंट्रोल पे चलता है। ठीक है, ऐसे रिमोट कंट्रोल में बाकी और भी कंपनी आ गया है मार्केट में, बट मैं आपको केस बता रहा हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में केस क्या बना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट रिलीफ टू एटमबर्ग टेक्नोलॉजी अगेंस्ट पॉलीकैब, लॉयर्स फॉर एटमबर्ग फॉर द आर्ग्यूड इन ऑगस्ट 2022 द कंपनी लर्न्ड अबाउट द रिस्पांस टू द प्रोडक्ट पॉलीकैब वीजी व्हिच इज द एलिजिबली आइडेंटिकल शेप कॉन्फिगरेशन एंड डिजाइन एंड एस्थेटिक आफ्टर, माने एटमबर्ग ने जिस तरह का डिजाइन बनाया पॉलीकैब एग्जैक्टली उसको कॉपी किया, और एटमबर्ग ने जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर, और ये केस बेसिकली देखो, फैन है, फैन एक नॉर्मल चीज है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे या किसी पर्टिकुलर डिजाइन पे तुम अगर पेटेंट करवा लेते हो ना, तो कोई है वो दूसरा कंपनी वो सिमिलर चीज नहीं बना सकता, थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं, व्हाट व्हाट ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजिकल मैटर है, तुम डिजाइन का बात कर रहे हैं सर, डिजाइन का बात कर रहे हैं, व्हाट तुम करो ना, वो तो इंजीनियरिंग है कि मैं 30 28 किया तो तुम 28 वाट नहीं दे सकते, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग स्किल्स है, 28 वाट में फैन चला के तो दिखाओ तुम, है ना, वो एक अलग लेवल का इंजीनियरिंग होगा तब जाके 28 वाट में फैन चल पाएगा। फैन के लिए काफी आरपीएम लगता है, मुझे इतना फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत मैं जितना सुनता हूँ आरपीएम वगैरह मैटर होता है, आरपीएम ज्यादा रहने से फैन तेज घूमता है, कम रहने से थोड़ा हल्का घूमता है, ऐसा ऐसा मैटर बोलता है। ठीक है, नॉट हाईली नॉलेजेबल इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मैटर पे, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या मैंने लीगल केसेस क्या बना है, सिमिलर डिजाइन के ऊपर ये पेटेंट का केस बना है। अब रिसेंटली इसको रिलीफ दिया है पॉलीकैब को, अब देखो आगे केस क्या क्या फाइनल डिसीजन, अभी तक मैं पढ़ा नहीं, आगे पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सब इंडियन, पॉलीकैब भी इंडिया का, एटमबर्ग भी इंडिया, नाम आजकल ऐसा देता है क्योंकि पब्लिक को ना थोड़ा सा ये अंग्रेज टाइप का नाम देने से लगता है कुछ खास बात हो। ठीक है, अगर एटमबर्ग की जगह कोई ऐसा नाम दे देता कोई देशी संस्कृत स्टाइल में, तो बोलता है क्या ये चीज होगा। ठीक है ठीक है, और क्या पुराने जमाने का जो है इंग्लिश में बोलो अच्छा लगता है। मोस्ट प्रोबली आईआईटी एलुमनी है, यानी जिन लोगों ने बनाया आईआईटी पास आउट से सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक स्पेशल मैटर है ना सर। अच्छा, अब सर्विस में बात करते हैं, तो सर्विस में नॉर्मली पेटेंट होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह में कॉपीराइट होता है, स्टोरी किताब में कॉपीराइट होता है, जो स्टोरी किताब तुमने लिखा वैसे स्टोरी किताब कोई और नहीं लिख सकता, कॉपीराइट रहता है। नॉट जस्ट स्टोरी किताब, इवन स्कूल कॉलेज का किताब में भी कॉपीराइट रहता है, सिमिलर स्टाइल ऑफ किताब कोई दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेम लिखा हुआ है सेम सब कुछ है, नहीं कर सकता, मतलब तुमने एक किताब लिखा, मैंने उसको छाप के सिमिलर किताब मेरा नाम पे एक दूसरा चला रहा, और बाद में पता चला कि अंदर का जो भी है सब मेरे जैसा ही तुमने लिख दिया या तुम्हारे जैसा मैंने लिख दिया, कॉपीराइट क्लेम हो जाए। ठीक है, मूवी, अगर मूवी में माना कोई गाना चला रहा है जो पुराना मूवी में चला बहुत फेमस है, और तुम वो गाना यूज करो चाहे कितना भी पुराना मूवी हो, जो उस मूवी का गाना है अगर उसका कोई भी ओनर आज भी जिंदा है, तुमको उसके परमिशन के बिना तुम वो गाना दूसरे मूवी में यूज नहीं कर सकते। हाँ, माने कि मानो कि कोई नया मूवी में कोई पुराना गाना यूज हो रहा है, ऐसा होता है ना। ठीक है,
तो जब कोई पुराना नया मूवी में पुराना गाना यूज होता है तो वो पुराना मूवी का जो गाना है उस गाने का कॉपीराइट तो किसी के पास है ना, तो वो कॉपीराइट प्रोड्यूसर जो भी है या जो भी था उनके परमिशन लेना पड़ेगा। एकमात्र अगर कोई मानो कि कोई मालिक अभी और बचा नहीं है, ठीक है, या फिर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो फिर इंडियन सेंसर बोर्ड का परमिशन लेकर करना पड़ सकता। कॉपीराइट तो लगाएगा इसे। तुम वो बोल रहे हो बंगाल का एक बड़ा फेमस एक नॉर्मल एक बादाम वाला, उसका गाना हिट हुआ था, ठीक है, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, उसका कॉपीराइट मिला उसको, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, पूरा ऑल ओवर इंडिया फेमस हुआ है, सुने होंगे शायद, सुना है, अमर कच्चे नहीं को दादा भाजा बादाम, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, हाँ उसमें बहुत सारा भर्जन निकला उसका, ठीक है, तो वो कच्चा बादाम का कॉपीराइट है उसके पास, मैंने बेसिकली उससे खरीद लिया है, कंपनी उसके पास नहीं है जिसने उसको दिया होगा, ऑफिशियल उसका हो गया ना, तो जिसने भी प्रोड्यूस किया उसका हो गया। और हिमेश रेशमिया ने वो बंगाल का एक भिखारी को लेके गया था, उसको गाना खेला, क्या नाम है, रानू मंडोल, ये सियालदा विधानगर स्टेशन से उठा के लेके गया था राणा घाट, हाँ मतलब इसी लाइन का बात कर, ठीक है, हिमेश रेशमिया जाके बॉम्बे में गाना गाना है उसको, क्या गाना गाया उसने, रानू, लेकिन बड़ा फेमस हुआ था वो, भिखारी है वो, जैसे ट्रेन में गाता है ना, कोई देख लिया और हिमेश रेशमिया को बोल दिया, उसको ले जाके बॉम्बे में गाना गाना, और फिर वो लता मंगेशकर जैसा गाना गाता है, सच में अच्छा गाता है, लेकिन फिर भी हिमेश रेशमिया को अलग बात, अरे इंसान वो छोड़ो, तो इंसानियत छोड़ो यार, वो अलग चीज है, कैसे होगा, भिखारी है और ऊपर से क्या उसको मिला है, तालीम क्या मिला है, लेकिन अच्छा गाती है, उसको रेशमिया ने दिया, कुछ पैसा मिला है ना, समझ में आ रहा है सर, तो कॉपीराइट हर चीज का होता है, क्लेम क्यों नहीं करेगा, अगर उस चीज का हिट है तो कॉपीराइट कर लेता है, तो क्योंकि क्या पता कल कोई और प्रोड्यूस कर दे, तो अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, मानो कोई भी चीज तुम बुद्धि से बनाते हो, इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब क्या, बुद्धि, तो कोई भी चीज तुम अपना बुद्धि यूज करके बना रहे हो तो वो चीज कोई दूसरा कर ले तो फिर तुम्हारा राइट उसमें क्लेम नहीं हो पाएगा। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से एक हिस्टोरिकल एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, जैसे अगर आप गूगल करोगे, जैसे आज हम लोग जो टेलीफोनिक बात करते हैं या रेडियो चलता है ना जिसमें हम लोग रेडियो सुनते हैं, है ना, ये जो तार, इसको बेतार भी बोलते हैं हिंदी में, बेतार, बेतार या तार, मतलब बेसिकली ये तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना जो तार को जोड़ता है और वो एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है। ये फर्स्ट टाइम एक्चुअल में इसको डिस्कवर किया था इंडियन साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस, बट इंटरेस्टिंगली और बदमाशी करके दुनिया, यूरोपियन वर्ल्ड इंडियन साइंटिस्ट को क्रेडिट नहीं देना चाहता, और ऑन दैट टाइम इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो ऊपर से और सुविधा हो गया, तो उस टाइम पे सिमिलर टाइम पे ही एक इटालियन साइंटिस्ट ने भी सेम टाइम पे थोड़ा देर बाद ही, माने कम से कम 1 से 2 साल बाद, कैसे पता चला सर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर कुछ इंटेलेक्चुअलिटी कुछ बनता है तो उसके अगेंस्ट में न्यूज़पेपर या मैगजीन में वो छापा जाता कि भाई इसने ये चीज बनाया, जैसे आजकल सोशल मीडिया में आ जाता है, उस जमाने में न्यूज़पेपर में आता था या मैगजीन में आता था या फिर सरकारी किसी गवर्नमेंट का कोई मैगजीन होगा जिसमें वो चीज छापा जाएगा। तो जगदीश चंद्र बोस का वो जो बेतार या रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू से आज हम लोग फोन में बात कर सकते हैं, रेडियो में गाना सुनते हैं, टेलीविजन के थ्रू से चीज देख सकते हैं, ये वही आविष्कार का फल है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस को इसका क्रेडिट दुनिया ने नहीं दिया, एक इटालियन साइंटिस्ट या यूरोपियन साइंटिस्ट को मिल गया, जस्ट बिकॉज हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी है, कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है। अगर आज भी जगदीश चंद्र बोस का साइंस म्यूजियम या उसका घर जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कहाँ है, कोलकाता में ही है, आपको मानिक तला से राजा बाजार की तरफ जाना पड़ेगा, कैलकटा यूनिवर्सिटी का जो साइंस कैंपस है उसके बगल में ही आपको जगदीश चंद्र बोस का घर मिलेगा, वहां पर जाके आप देख के आ सकते हैं। तो बोल दिया, अब जिसको शौक है जाएगा, जाने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, जिसको मन करेगा वो जाएगा,
मेरे को खोज रहता है कि कहाँ कौन है, क्या है, नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना कि अगर तुमने उसके, अब देखो, अब जगदीश चंद्र बोस का तो राइट नहीं बना ना उसमें, या इंडियन राइट नहीं बना, यूरोपियन को राइट मिल गया, समझ में आ रहा है। एरोप्लेन को लेके भी तो एक बात हुआ था, एरोप्लेन का जो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली एक इंडियन साइंटिस्ट का था, ब्रिटिश ने यहां से लेके जाके इसको बेचा है और बाद में राइट ब्रदर्स ने उसको बनाया है, लेकिन इसके पीछे भी एक इंडियंस का एक कॉन्सेप्ट में एक चीज था, एक मराठा महाराष्ट्र का कोई एक साइंटिस्ट था, लेकिन उसका आवाज नहीं आने दिया, क्यों? क्योंकि इंडियंस आजाद हो जाएगा, डेमोक्रेटिक राइट आ जाएगा, दुनिया में नाम हो जाएगा, समझ में आ रहे सर? ठीक है, अब देखो ना, अब जबरदस्ती किसी का मुंह बंद कर देगा तो क्या कर सकते, जान से मार देता था। महाराष्ट्र में आज भी प्रूव है, महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो वायसराय हाउस होता था, मैंने उस टाइम पे जैसे हेड होता था ना किसी स्टेट का या प्रोविंस का, उसके ऊपर से फ्लाइट उड़ाया था महाराष्ट्र का जो साइंटिस्ट है, उसके ऊपर से उड़ाया था, उसका नाम क्या है मैं भूल जाता हूँ क्योंकि उतना पढ़ाया नहीं गया हम लोगों को, लेकिन एक मूवी बना है मिथुन चक्रवर्ती का, मिथुन चक्रवर्ती और आयुष्मान खुराना का एक मूवी है, क्या भूल गया मूवी का नाम भी भूल गया, मेमोरी काम नहीं कर रहा, उसमें बताया गया है थोड़ा सा, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। द फर्स्ट प्रोडिजी, अच्छा चलो सर्विस पे बात कर लेते हैं, द लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस कंसर्निंग पेटेंट कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं ये सब बात समझाने के लिए आपको इतना सारा एग्जांपल दे रहा था कि सर क्यों जरूरी होता है सर्विस रिलेटेड मैटर को कोड में कन्वर्ट करने का, नहीं तो आप बोलोगे सर पेटेंट क्या चीज है भाई, कॉपीराइट क्या चीज है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कभी सुना ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये थाम्सअप पेप्सी कोका-कोला जो है ना सर, अब थाम्सअप कोका-कोला के अंडर में बिकता है ब्रांड में, थाम्सअप ने क्रैक कर दिया था तो कोका-कोला ने क्लेम किया था कि ये जो सोडियम कार्बोनेटेड सोडा जो भी है ये कोई क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन थाम्सअप इंडिया का कंपनी है वो क्रैक कर लिया था, तो क्रैक करने के बाद बहुत ज्यादा दाम देके थाम्सअप को खरीद लिया कोका-कोला, ताकि दुनिया, ताकि कोका-कोला का जो ओवरऑल जो डोमिनेशन है वो डोमिनेशन ना बदले। अगर ये आज का इंडिया होता ना तो नहीं कर पाता, थम्सअप भी नहीं बिकता, लेकिन ये 1990 का इंडिया था, थम्सअप भी बिक गया, नहीं तो आज थम्सअप कोका-कोला का एक कॉम्पिटिटर होता, उसके अंडर पे ब्रांड ना होता। इवन मार्केट में, इंडियन मार्केट में वो लोग सबसे ज्यादा थम्सअप ही बेचता है, कोका-कोला जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उससे ज्यादा थम्सअप बिकता है, तुम जाओ तो इसके बारे में भी गूगल रिसर्च कर सकते, ये पता था। फर्स्ट टू डिजिट द सेम फॉर ऑल सर्विसेज 99, सब सर्विस होगा तो 99 से पता चल जाएगा कि ये सर्विस है। नेक्स्ट टू डिजिट 82 रिप्रेजेंट द मेजर नेचर ऑफ सर्विस, किस तरह का सर्विस है, लीगल सर्विस, ठीक है, फिर नेक्स्ट टू डिजिट किस तरह का सर्विस है, 82 लीगल सर्विस को रिप्रेजेंट करता, और लास्ट टू डिजिट जैसे कि 13 represent detailed nature of service, that is legal documentations of patent etc. ठीक है, patent किस चीज का होता है, आविष्कार का होता है, ठीक है, आपने कोई चीज आविष्कार किया, discover किया, suppose तुमने कोई medicine बनाया, जैसे बंगाल का एक बड़ा famous medicine है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा popular है, बंगाल केमिकल ने बनाया, product का नाम है बोरोलिन, बोरोलिन बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि बोरोलिन का आयुर्वेदिक गुण भी है, मैंने मेडिसिनल गुण भी है, बोरोप्लस वगैरह ठीक है बट बोरोलिन उससे काफी बेहतर है, इवन तुम्हारा कोई भी चमड़ा में प्रॉब्लम है ना तुम उसमें बोरोलिन लगाओ पूरा क्योर कर देगा, मैजिक की तरह क्योर कर देगा, मैजिक की तरह क्योर कर देगा, उसमें मेडिसिनल बहुत सारा, नॉर्मल वो एक क्या बोलते हैं उसको मॉइस्चराइजर तो वो है ही,
ठीक है, साथ में उसका अंदर बहुत अच्छा गुण भी है, मतलब तुमका नॉर्मल कटिंग फटिंग जो भी थोड़ा बहुत होता है ना, बोरोलिन लगा लो, ये बंगाल केमिकल का। अच्छा तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, सॉल्ट लेक के बाद जो कोरोनामय के बाद जो स्टेशन आता है बंगाल केमिकल, ये बाईपास होके जाओगे, ये बंगाल केमिकल बोल के वहीं पर फैक्ट्री था एक्चुअली, सॉल्ट लेक के बगल में, वहीं पर वो मेट्रो स्टेशन वहीं पर बना है, इसी बंगाल केमिकल का ही प्रोडक्ट है बोरोलिन। क्या क्या खबर दो बताओ, और कुछ दो खबर छोड़ो सर। अच्छा लास्ट डिजिट 13 रिप्रेजेंट डिटेल नेचर ऑफ सर्विस दैट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेटेंट एटसेट्रा। HSN GST ऐसे क्या बोलता है, देखो HSN कुड टू बी डिक्लेयर्ड अप टू 31 मार्च 2021 का डेटा बता रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, अगर बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है तो HSN कुड डिक्लेरेशन इज नॉट मैंडेटरी, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का टर्नओवर है तो कम से कम दो डिजिट बताना जरूरी है, ठीक है, मोर देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट बताना जरूरी है। माने बेसिकली देखो तुम छोटा मोटा बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो, तुम्हारा HSN कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर साल भर का 1.5 करोड़ है, तुमको जीएसटी बिल दिखाने के टाइम पे जीएसटी बिल के अंदर HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, छोटा मोटा बिजनेसमैन के ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, अगर बाई चांस ना भी रहता है तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ा बिजनेसमैन बनते जाओगे ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, बताना पड़ेगा, और ऐसे प्रोडक्ट को जीएसटी बिल देख के उस HSN कोड या SSC कोड देख के समझा जा सकता है कि ये कौन सा बिल है, किस काम का बिल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। डिक्लेरेशन ऑफ HSN कोड फॉर गुड्स एंड सर्विस, HSN कोड टू बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 वाइड जीएसटी नोटिफिकेशंस, देखो अप टू 5 करोड़ मैंडेटरी फॉर B2B टैक्स इनवॉइस, मैंने बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी है और कम से कम 4 करोड़ बताना पड़ेगा, ऑप्शनल फॉर B2C, अगर बिजनेसमैन कस्टमर को इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसमें ऑप्शनल है, बट अगर देना है तो 4 ही देना पड़ेगा, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है मैंडेटरी फॉर ऑल इनवॉइसेस, और कितना कोड दिखाना पड़ेगा 6 का 6, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, तो आपका पिछले साल का टर्नओवर देखा जाए, ठीक है, दिस HSN कोड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एवरी टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द टैक्स पेयर्स अंडर जीएसटी, ऑल 8 डिजिट ऑफ HSN कोड इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड अंडर दी जीएसटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो एकदम चुपचाप, ऐसे मार्केट में बहुत सारे है सर, आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ये देखो सेक्शन में बोला था ना, सेक्शन में क्या क्या दिया, ये देखो HSN भाई समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मैंने सेल बेसिकली है ना, आउटवर्ड सप्लाई मैंने क्या सेल करने का टाइम पे लगता है, तो सेक्शन 1 में क्या है लाइव एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट्स, सेक्शन 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, सेक्शन 3 एनिमल और वेजिटेबल फैट्स ऑयल्स, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस, एक्चुअली ये वर्किंग नॉलेज पे काम आता है, एडुकेशन में एग्जाम नॉलेज पर्पस में ये सब नहीं पूछता है सर, माथा खराब नहीं करना है, बट नहीं मतलब एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ये क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई बताओ सेक्शन 9 में क्या क्या प्रोडक्ट बोला है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो, क्योंकि आगे जाके जब तुम इस तरह रिलेटेड काम करोगे ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में किसी कंपनी में, तो तुमको ये सब जानना जरूरी होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक आइडिया तो रहना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरा सेक्शन वाइज पूरा लिस्ट दे के रखा, ठीक है, अब गूगल करोगे तो और भी चीज आपको मिल जाएगी, हाँ एटलीस्ट कुछ पता तो चलेगा कि भाई क्या क्या चीज होता है, एक आपको आइडिया के लिए मैं बोला, ठीक है, कि आप कर सकते हो देख सकते हो, ठीक है, आ गया सर समझ में आया ना कि HSN क्या है, मैंने ये जो यहाँ पर समझाया गया है मैट के अंदर,
चैप्टर सेक्शन हेडिंग ग्रुप टेरिफाइड है, अब माथा दर्द नहीं होगा, ठीक है, बोरिंग वाला चीज नहीं था, बड़ा काम का चीज था, है ना सर। सर जीएसटी रेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो कि करंटली हमारे देश में जीएसटी का रेट के बारे में क्या बोला गया है। ब्रॉडली 6 रेट्स ऑफ सीजीएसटी हैव बीन नोटिफाइड अभी तक का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने अभी तक 6 रेट्स को बताया। इन 6 शेड्यूल ऑफ रेट नोटिफिकेशन फॉर गुड्स, जैसे कि 0.125%, अच्छा 0.125% का मतलब 0.125 + 0.125, और अगर सीजीएसटी बोल रहा है 0.125 तो एसजीएसटी में भी 0.125 जाएगा। अगर सीजीएसटी के लिए 0.125 है तो एसजीएसटी के लिए भी 0.125, ठीक है। तो 0.125 कितना होता है, 0.25, ठीक है। तो ये ग्रेड नोटिफाई किया गया है, 1.5 माने 3% हो जाएगा, 2.5 माने 5%, 6% माने 12%, 9% माने 18% एंड 14% माने 20%। एसजीएसटी यूटीजीएसटी एट द इक्विवेलेंट रेट, एसजीएसटी माने माने सीजीएसटी तो लगेगा ही, अगर आप स्टेट में डील करते हो तो एसजीएसटी भी लग जाएगा, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में डील करते हो तो यूटीजीएसटी भी लग जाएगा। माने देखो, या तो आपका स्टेट होगा या तो आपका यूनियन टेरिटरी होगा, तो जब यूनियन टेरिटरी होगा तो एस की जगह यू बैठ जाएगा, सीजी तो कॉमन है, सीजी तो कॉमन है, ठीक है, तब तो आईजीएसटी है, तब तो पूरा रेट लगेगा। ये देखो नीचे दिया है, नीचे दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, पर इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार रहता है, नहीं तो तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैंने इसी को लेके तो झमेला था, जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस होने से पहले 2000 से लेके 2017 तक 17 साल किस बात के मारपीट चला, किस बात को लेके मारपीट है कि जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा। अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, दुर्गापुर से वर्धमान जा रहा है, वर्धमान से कोलकाता जा रहा है, कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रहा है, सिलीगुड़ी से आसनसोल जा रहा है, आसनसोल से बसीरहाट जा रहा है, बसीरहाट से खड़गपुर जा रहा है, मिदनापुर से झारखंड जा रहे, ये ममता दीदी हो या जो भी पश्चिम बंगाल सरकार उसी को मिलेगा। जैसे बाबू तुम झारखंड से हो, ठीक है, तो झारखंड के गवर्नमेंट के अंदर मानो रांची से टाटा, टाटा से रांची, ठीक है, फिर वहां से मानो करंजिया, कोई भी जाए झारखंड के अंदर, जो अगर स्टेट जो जगह है, तो कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर झारखंड के अंदर चलेगा तो झारखंड सरकार को मिलेगा, बंगाल के अंदर चलेगा बंगाल सरकार को मिलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, जब स्टेट बदल रहा है, बंगाल का प्रोडक्ट बिहार जा रहा है, ठीक है, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, बिहार करेगा कि बंगाल करेगा। बंगाल बोल रहे भाई प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं तो टैक्स हमको मिलना चाहिए, बिहार बोलेगा खरीद हम रहे हैं हमको मिलना चाहिए। पहले क्या था, पहले ना, पहले सोर्स बेस होता कि जो बेचता था उसको मिलता, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी जिसके पास जा रहा है वो कलेक्ट उसको मिलता है, डेस्टिनेशन बेस्ड है ना अभी जीएसटी, यही तो मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया, अभी जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, मैंने जहां जा रहा है प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन जब बात इंटर स्टेट का हो जाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में सामने आ जाता है, वो बोलते हैं ठीक है भाई ये आपका डिस्प्यूट मैं देख लेता हूं, मैं पूरा कलेक्ट करूंगा बाद में आपको रिइंबर्स करूं। अब आधा भी होता है, इसके बारे में कोई प्रॉपर सिस्टम मेंशन प्रॉपर्ली नहीं है, बट मोटा मोटी मान के चलो कि आधा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करता और फिर वो स्टेट को रिलीज करता। बहुत झमेला है, इंडिया जैसे कंट्री को चलाना मामूली बात नहीं है, ठीक है। मैंने सीरियसली मैंने किसी भी एरे गेरे नथू गेरे को प्रधानमंत्री का सीट नहीं मिलना चाहिए, मैंने उसी को मिलना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि आईआईटी पास है, आईआईएम पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं, ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने क्या बोलते ना, मैंने अनेक घाटे जल खेते, मैंने बोलते ना गट गट का पानी पीना पड़ता है, तब जाके तुम आईआईटी आईआईएम अकेला पीने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा।
केजरीवाल को देखो ना, एक दिल्ली नहीं चला पा रहे। अरे वो IRS था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, UPSC क्रैक बंदा है। केजरीवाल IRS ऑफिसर था क्या? हाँ जेल में तो। ईडी ने बुलाया था, फिर कोर्ट ने भी बुलाया था, कोर्ट में भी 9 बार नहीं आए। सर मन में चोर है ना। कुछ तो गड़बड़ कर दिया सर। आप आम आदमी पार्टी खबर राख, खबर राख, देशर खबर राख, कोथाय आछिस तोरा? रील्स देखा बंद कर, फालतू रील्स में कुछ नहीं है, कुछ काम का बात में ध्यान। छूट जाएगा वो तो, कुछ दिन में छूट जाएगा। हाँ छूटने दो ना, कोई खराब बात तो नहीं है, हम भी चाहते हैं छूट जाए, वरना फिर ऐसी ऐसी दिल्ली में दिक्कत है और हो गया। ठीक है, छूटना चाहिए, बिल्कुल छूटना चाहिए। देखो मेरा एक सिंपल, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, चलो मैं एक आपको एक बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, अब सुनना मेरा बात। मैंने अब इस बात पे तुम लोग मेरे को ऐसे, मैं ऑब्वियसली मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें मैं छुपा के तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं करता हूँ बीजेपी को करेंटली, अभी तक मेरे को ठीक लगता, अब कल अगर ठीक नहीं लगेगा तो सपोर्ट चेंज। डेमोक्रेटिक राइट है भाई, ठीक है। एक जमाने में ममता दीदी को सपोर्ट करके लाया था सर, वोट दिया था, 2 बार वोट दिया था, अब नहीं देता है, नहीं देता हूँ, और लोगों को भी बोलता हूँ मत, लेकिन फिर भी वोट देना अपना अपना चीज। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज कोई बोलेगा सर देखो बीजेपी में भी करप्टेड लोग हैं, बट बीजेपी चुन चुन के नॉन बीजेपी वाले को जेल में डाल रहे हैं, स्वाभाविक है ना, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी नॉन बीजेपी के ऊपर ही करप्शन का दोष लगाएगा और उनको जेल पर डालेगा। बट एक बात तो है ना सर, हम लोग पहले कभी नेता मंत्री को जेल में जाते हुए देखा है? आप तो देख रहे हैं ना, कभी पहले देखे हो क्या? नेता मंत्री जेल में जा सकता है, इससे पहले हम लोग कभी ये चीज एक्सपीरियंस किए ही नहीं, एक आध केस छोड़ के। कुछ साल पहले लालू प्रसाद गया था ना, वो तो जेल खाट के आया पूरा, अभी भी उसका जेल का पूरा खत्म नहीं हुआ, वो तो स्पेशल बेल पे है, अभी जेल में ही है वो एक्चुअली, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आज बीजेपी सत्ता में है, नॉन बीजेपी वालों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट यूज करके जो भी करे, करप्शन से एलिगेशन लगा रहा है, कोर्ट है उसका न्याय देगा, ठीक है। हो सकता है कभी जानबूझ के कर रहे हैं, कभी बिना जान के कर रहे हैं, या आप जबरदस्ती प्रॉब्लम में डाले। कल अगर कांग्रेस आ जाए या जो भी पार्टी आ जाए और बीजेपी वालों को घुसाए, क्या दिक्कत? घुसा हो ना, लेकिन भाई घुसाने से तो नहीं होगा, अरेस्ट तो बीजेपी नहीं कर सकता ना, या कांग्रेस नहीं कर सकता, अरेस्ट करेगा कोर्ट, और कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता। इस तरह से चलने से एक सुविधा है क्या? करप्शन कम होगा, हर पार्टी में जिसका भी करप्टेड नेता है वो दूर होगा। मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है आज ये इनको प्रॉब्लम में डाला है, ठीक है कल वो आ जाएगा सत्ता में तो फिर वो बीजेपी को डाले, क्या दिक्कत है? डालो तो सही, डालो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ इट्स वेरी गुड, ये चीज एक्चुअली एक लॉयर बोल रहा था कि इसमें कोई, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या बीजेपी क्या दूध का धूला है, क्या बीजेपी में करप्शन नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर लॉयर बोला देखो ये नॉर्मल है, आज बीजेपी सत्ता में है तो नॉन बीजेपी वालों को कर रहे हैं, कल आप लोग आओगे तो आप उनको कर देना, लेकिन कम से कम नेता मंत्री जेल में तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बॉलीवुड का स्टार हो तो आप नहीं जा सकते, सलमान खान आज तक जेल में नहीं गया, पर संजय दत्त तो गया ना सर, क्यों जानते हो? क्योंकि उसका पापा ना, उसका पापा कांग्रेस करता था, लेकिन उसका पापा एक सच्चा इंसान था सुनील दत्त, इसलिए इतना बड़ा नेता का बेटा है और इतना बड़ा स्टार, फिर भी जेल गया सर, और उसने गुनाह को कबूल किया, फिर जाके 5 साल का सजा हुआ, 5 साल का सजा को 2 साल या 3 साल उसने रहा तिहाड़ जेल में, फिर उसको अच्छा बिहेवियर के लिए जेलर ने कंसिडर करके 1 साल या 2 साल माफी किया। लेकिन क्या 2 दिन जेल में रहना मुश्किल हो जाता है, 3 साल 4 साल जेल में कैसे रह गया? सलमान खान नहीं गया, ये कैसे हो रहा है? मैं आपको क्या बोला, ये सुनील दत्त के कारण है, इसे प्रूव होता है कि वो न्याय का, वो ऐसा नहीं कि वो चाहता तो
बॉम्बे में शिवसेना का राज चला है हमेशा लास्ट 20-15-20 सालों में। वो चाहता तो एक फोन करता सुनील दत्त और अपने बेटे को, अभी तो वो नहीं है लेकिन उस जब से ये प्रॉब्लम हुआ था, बॉम्बे ब्लास्ट का केस है, आराम से कर सकता था उसका सारा, उसके ऊपर जितना इल्जाम लगा था वो आराम से हटा सकता, हाई प्रोफाइल केस है, शाहरुख खान के बेटे के ऊपर लगा, हट गया ना, हट गया ना, तो संजय दत्त का केस भी हट सकता था, लेकिन ये सुनील दत्त ऐसा इंसान था जो हटने नहीं, क्योंकि उसके घर से मिला था, उसके घर से मिला था राइफल, मिला था AK-47 मिला था, रीजन कुछ भी, बात को समझा गया मैं आपको, ठीक है ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है कॉन्सेप्ट है। आज केजरीवाल जेल में गया, अमेरिका जर्मन सब पीछे एकदम देख रहा है इस चीज को, क्योंकि दिल्ली का सीएम है भाई, कोई नॉर्मल जगह का सीएम नहीं है, दिल्ली देश का कैपिटल है और उसका सीएम है, उसको जेल में भेजा है। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और सीरियस लेकर कोई प्रॉब्लम गलती होगा ना ये देश के लिए बहुत खराब है, पूरा एकदम प्रूफ करो, अगर प्रूफ नहीं करते हो बहुत मुश्किल हो जाए, कितना बड़ा गुनाह है, क्या प्रॉब्लम किया है, प्रूफ कर, नहीं तो ईडी में जो ऑफिसर इस काम को लिया उसको जेल में जाना पड़ेगा, डिफेमेशन का केस लगेगा, मान लाने का सम्मान तो जाएगा ना, ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मेरे को लगा। सर सीरियस बात है ना, इतना जल्दी तो होगा भी नहीं, नहीं जल्दी होगा, ये फास्ट ट्रैक में चलेगा, बट मतलब उसको तो बेल ग्रांट थोड़ी ना होगी मेरे ख्याल से, नहीं सर अगर बेल ग्रांट उसके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो एलिगेशन बेल ग्रांटिंग वाला नहीं है, और उसका बेल ग्रांट हो जाता तो सामन क्यों इतना बार मिस किया, 10 बार कोर्ट ने बुलाया, तुम इतना बार क्यों सामान मिस करोगे, तो एक बेसिक प्रोसीडियर है, तुम कितना बड़ा नेता हो, आम इंसान हो, जाना पड़ना तुम जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए, तब ने जाके पुलिस आके उसको उठा के गया, आज मेरे अगेंस्ट में कोई केस बनेगा मेरे को रोज नोटिस भेजेगा, और उसको तो सब पता है, हम लोग जैसे लोग फिर भी इतना नॉलेजेबल नहीं, उसको तो सब पता, वो तो IRS रहा है सर, सरकार का नौकरी किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको सब पता है, तभी तभी ना वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके, अन्ना तुम लोगों को पता नहीं है उसका आंदोलन का मोटिव क्या था, उसका आंदोलन का मेन मोटिव था एंटी करप्शन, लोकपाल बिल, आप लोग शायद ये सब नहीं जानते, 2013-14 का केस है, नहीं पता, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है, अंटिल प्रूवन गिल्टी कोई भी गिल्टी नहीं, ठीक है, तो जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता, एलिगेशन लगा है सर, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कोई भी उसको गिल्टी नहीं हो जाता, ठीक है, ये बात तो मान के चलो, लेकिन हाँ भाई तुमको जब इतना बार बुलाया है तुम क्यों नहीं गए, लीगल प्रोसेस है, ईडी के पास पावर है ना, वो कर सकता है, चलो ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स का लीगल बात हो गया, बहुत सारा सीरियसली बहुत, मैं भी बड़ा चिंता में, मैं रोज फॉलो करता हूँ क्या है केस के, ओके कोई छोटा मोटा में केस नहीं, बिग केस। अच्छा देखो GST रेट्स फॉर वेरियस सर्विसेज, उसके बारे में बोल दिया कि वे मैक्सिमम इस तरह से जा सकता है, अगर IGST हो तो पूरा का पूरा लग जाएगा, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दिया। अच्छा एक स्पेशल पॉइंट में मैं थोड़ा बात करूंगा आपको, अच्छा यहाँ पर देखो GTA के बारे में अलग से बोला है, GTA का अलग दो तरह का रेट चलता है, 12%, 5%, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। Service is not covered under the specific headings are taxed at the rate of 18%, ठीक है? जैसे अगर 9% CGST SGST है, तो IGST में लग जाएगा 18%। अब आपको एक special topic बताता हूँ, GST in real estate sector, it's a very special type of area. Real estate sector में ये जो building बनता है, promoting का, ठीक है? Normally हम लोग जब घर खरीदते हैं ना सर, घर खरीदने में GST नहीं देना पड़ता। Purchase of house property is not covered under GST. तो फिर real estate में फिर भी GST के बारे में कहे बात कर, उसमें क्या लगता है, उसमें government का registration charges होता है और duty होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया,
जब घर को या जमीन को रजिस्ट्री करने जाते हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हैं और एक ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी का क्या नाम है? ओहो, ड्यूटी का एक नाम होता है सर, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी 6% 7% का रेट चल रहा है, तो उनको बिहार में भी ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है, 7-8% मैक्सिमम चलता है, किसी किसी स्टेट में 5-6% भी होता है। जितना प्रॉपर्टी होगा उसका 6 या 7% उनको सरकार के घर में जमा करना पड़ता है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन का नाम पे लेता है और एक ड्यूटी के नाम पे लेता है, स्टैम्प ड्यूटी। तब से मैं ये नाम बोलूँ और आप लोग चुप बैठे, ठीक है? ये कॉमन सेंस है, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है? ये सरकार का इनकम है सर, सरकारी ऑफिस में जाता है। तो नॉर्मली घर खरीदने के टाइम पे, जमीन खरीदने के टाइम पे वो सब लगता है, लेकिन यहाँ पर रियल एस्टेट में जीएसटी का बात कर रहा है। तो थोड़ा जान लो सर, ये ऐसे क्या कॉन्सेप्ट है जब रियल एस्टेट में घर वगैरह में जीएसटी लग जाता है? तो इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स बाय प्रोमोटर, जैसे कि 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस, ठीक है? ये बेसिकली किस पे लगता है? जो घर बेचता है उन पे, खरीदने वालों पे ऐसा कुछ नहीं, माने जो प्रोमोटर है जो घर बना के बेचता है उनको देना पड़ता है, ठीक है? तो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस, अफोर्डेबल हाउस किसको बोलते हैं? 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो सिटी में, और अगर नॉन मेट्रो में बनाएगा तो 90 स्क्वायर मीटर में बनेगा, जिसका वैल्यू अप टू 45 लाख के अंदर हो। इस तरह का घर का प्रोडक्ट बेचेगा, माने बेसिकली देखो रियल एस्टेट वालों के लिए तो घर बेचना प्रोडक्ट है ना, एक एक घर उनके लिए एक क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर वो अफोर्डेबल घर बेचेगा जो 45 लाख के बीच में है और उसका भी साइज मेंशन कर दिया, तो उसमें 1% जीएसटी देना पड़ता है, बट उसमें आईटीसी नहीं है। और 5% विदाउट आईटीसी इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस, कॉमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिस एटसेट्रा इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इसको प्रेप भी कहते हैं, इन विच द कार्पेट एरिया ऑफ कॉमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कार्पेट एरिया ऑफ ऑल द अपार्टमेंट्स। माने जितना सारा कॉम्प्लेक्स एरिया बनता है, आप लोगों को पता है, आप लोग सब शहर में ही रहते हो आजकल, सबको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बस बनता है उसके अंदर दुकान का एरिया भी बनता है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए। तो बोलते हैं कि वो जो कॉमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिस एटसेट्रा इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, राइट, माने मेन प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल का है, उसमें कॉमर्शियल पार्ट कुछ रहता है, तो कॉमर्शियल पार्ट कितना रहना चाहिए? टोटल कार्पेट एरिया, जितना अपार्टमेंट का टोटल एरिया है, टोटल एरिया अगर 100% है तो उसमें दुकान का एरिया या ऑफिस का एरिया टोटल एरिया का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 15 से ज्यादा हो जाएगा ना, तब वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं माना जाता, तब वो कॉमर्शियल, फुल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट माना जाएगा। ये दिक्कत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, वो मैं आप लोगों को एक चार्ट नहीं बताता था बार बार आईटीसी क्लेम करने का, हाँ बस चलो मैं सिंपल कर, मानो 100 का प्रोडक्ट है और उसमें मानो 5% का जीएसटी है, ठीक है? तो 100 के प्रोडक्ट में जीएसटी लेके कितना दाम बढ़ा? 105। अब ये 5% मानो तुमने शिल्पा को बेचा, ठीक है? तुम एक बिजनेसमैन हो, शिल्पा भी कुछ बिजनेस करते हैं, तुमसे प्रोडक्ट लेके, अब तुम शिल्पा को 100 टका का चीज 105% जीएसटी लगा के बेचा। अब इसमें सिंपल, तुमको 100 टका दिया प्रोडक्ट के लिए और 5% दिया जीएसटी के लिए। अब ये 5% जीएसटी तुम गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, कौन करेगा? गोपाल करेगा, ठीक है? अब शिल्पा मानो ये प्रोडक्ट 100 टका में खरीदा तुमसे, ठीक है? अब 100 टका के ऊपर शिल्पा मानो 10% प्रॉफिट लगा दिया, ठीक है? तो शिल्पा का कितना हो गया? 110 का प्रोडक्ट, 10% प्रॉफिट है, 110 पे अब वो 5% जीएसटी लगाएगा, मेरे को बेच रहा है, ठीक है? अब 110 पे 5% कितना होता है? 5.5 है ना, तो 110 पे 5.5 जीएसटी है, तो ये जीएसटी का अमाउंट मैं शिल्पा को दूंगा, शिल्पा 5.5% गवर्नमेंट को देगा, ठीक है? अब गवर्नमेंट को जब शिल्पा 5.5% देने जाएगा, तब शिल्पा बोलेगा कि, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई दो हमको 5.5%, तब शिल्पा चिल्ला के बोलेगा वेट गवर्नमेंट वेट, रुको सरकार, मैं ऑलरेडी आपको, जब मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया था मैं ऑलरेडी गोपाल को 5% दिया था, मेरे पॉकेट से दिया था, तो ये 5% उसका क्रेडिट है,
अभी आपको मैं सिर्फ 50 पैसा, ये जो 5 टका है ना, ये जो रुपीज 5 है ये क्रेडिट है, दिस इज कॉल्ड आईटीसी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कर रहा है, जैसे यहाँ जीटीए में भी मैंने समझाया था कि जब जब वो कम रेट में जीएसटी दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको आईटीसी का बेनिफिट लेने नहीं दे रहा था। सर फुल फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स क्रेडिट? नहीं सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब होता है परचेस, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अकाउंटेंसी क्लास में भी पढ़ाया इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो लोग सैटरडे वाला बेसिक का क्लास करता है वहां पर मैंने जीएसटी का जर्नल एंट्री सिखाया, ठीक है। और मैंने जीएसटी के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में रोज एक बार करके ये वाला टॉपिक बताता था, हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और दर्श हमेशा बोलता था सर आप रोज रिपीट करते हो, ठीक है। और अभी नहीं, अभी वो वाला सर, वो एग्जांपल 1 लाख फिर उसके बाद 18% वो वाला, वो उसी में तो मैं दर्श को बोल रहा हूँ, उसी में तो मैं तुम लोगों को बार बार आईटीसी समझाता था ना सर, कि ये आईटीसी है, ये आईटीसी है। आईटीसी माने इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट का मतलब होता है परचेस, ठीक है, आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। तो परचेस के टाइम पे हम जो टैक्स देते हैं उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर शिल्पा खरीदने के टाइम पे 5 टका का तुमको दिया था ना सरकार को देने के लिए, तुमको देने के लिए नहीं, सरकार को देने के लिए, ठीक है। तो वो 5 टका अपने पॉकेट से दिया था, अब जब सरकार उसको बोल रहे 5.5 टका जीएसटी फाइल करो, तब वो बोलते हैं ऑलरेडी 5 टका मैं पहले देके रखा, तो वो 5 टका इज माई क्रेडिट, सो अभी आपको सिर्फ 50 पैसा दिया। अगर मानो तुम अफोर्डेबल हाउस कोई प्रोमोटर बेच रहा है, तो अगर 1% जीएसटी वो सरकार के घर में जमा कर रहा है टोटल सेल के ऊपर, जितना उसका सेलिंग प्राइस है उसी पे तो जीएसटी लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे सिखाऊंगा आगे आगे, तो उसमें 1% का रेट अगर वो अप्लाई करता है तो उसको आईटीसी क्लेम करने का मौका नहीं, जितना है पूरा। समझ में सर वो जीएसटी रिवर्स हो जाता है, जीएसटी का अलग से रिवर्स हो जाएगा। जीएसटी तो सरकार के घर में जमा हो गया ना सर, ठीक है, जीएसटी तो सरकार के घर में जमा हो गया, लेकिन तुमको अपने उसका चेंजेस अकाउंटिंग में होता है, उसका चेंजेस अकाउंटिंग में होता है। और अगर तुमने रिवर्स किया तो उसका भी तुमको अकाउंटिंग में दिखाना पड़ेगा और बाद में आईटीसी में उसको क्लेम करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। पहले अगर तुम रिटर्न कर दोगे तो आईटीसी उसका बाद में कैंसिल हो जाएगा, यही सारा चीज तो हिसाब होता है सर, इसीलिए तो आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो। आईटीसी का चैप्टर रहेगा तो उसमें मैं और बताऊंगा, आईटीसी और अकाउंट्स में बहुत, जीएसटी और अकाउंटेंसी का बड़ा जोर का कनेक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो वही सब तो आपको जाना, यही चीज मैं एक्चुअली बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लास में रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया, जो लोग वो वाला क्लास किया है, नहीं किया तो मेरे से क्लास लेके कर सकते हो, आईटीसी मिलने से क्या होता है, आईटीसी रिवर्स करने से क्या होता है, सारा चीज का एंट्री सिखाया उसका। छोड़ो सर कोई बात नहीं, मेरे से लिंक ले लेना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा चीज का मेथड अप्लाई, मतलब सिंपल बात है जो तुमने सवाल किया कि सर अगर मैं इसको प्रोडक्ट रिटर्न कर दूंगा तो क्या वो जीएसटी का क्लेम कर सकता है? नहीं सर, वो पहले क्लेम कर लिया था और बाद में मानो रिटर्न हो गया तो उसका सेल तो फाइनल नहीं हुआ ना, तो अगर सेल फाइनल नहीं हुआ तो फिर वो जीएसटी, वो आईटीसी भी रिवर्स होता है। और हर चीज के अगेंस्ट में तुमको बिल सबमिट करना होता है जीएसटी, इसमें जीएसटी के वेबसाइट, तुमको क्लेम करने से पहले वो बार बार, लास्ट दिन एक दिखा था ना 2500 करोड़, कितना करोड़ का, 26,000 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड किया आईटीसी, लास्ट दिन ही तो बता रहा था फेक बिल बना बना के। अच्छा देखो ये वाला देखो, तो 5% विदाउट आईटीसी किस केस में, ऑल हाउस अदर देन अफोर्डेबल हाउस। तो अफोर्डेबल हाउस के अलावा क्या हाउस होता है? जो 45 लाख के ऊपर का घर होगा, जो 45 लाख के ऊपर का घर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदर देन अफोर्डेबल हाउस बोलेंगे, और क्या? ₹45 लाख के नीचे होगा तो 1%, 45 लाख के ऊपर का होगा तो 5% बिना आईटीसी का।
इनपुट सर्विस अभी समझ में आप लोगों को नहीं आएगा शायद, इनपुट सर्विस थोड़ा अलग केस है। The above tax rates shall be available subject to following conditions. IT shall not be available and 80% of input and input service other than service by of a grant development right, long term lease, land against upfront payment in the form of premium, salami, development charges for FSI including additional FSI. FSI मैंने actually floor का एक concept रहता है, floor index का एक concept रहता है. Electricity, high speed diesel, motor speed, natural gas used in supplying the service shall be purchased from रजिस्टर्ड पर्सन। चलो मैं फिर भी थोड़ा सा समझाता हूँ। कहना ये चाहता है कि ये जो अबव टैक्स है, ये टैक्स रेट अगर आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में आपको 1% का ये जो रेट है और 5% का ये जो रेट है, ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में एक बात कहता है। कहता है कि Above tax rates shall be available subject to following conditions. मैंने 1% या 5% तुम कब अप्लाई कर सकते, बोलते हैं कि पॉइंट ए ITC shall not be available. पहला कंडीशन ITC नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। व्हाट इज इनपुट एंड इनपुट सर्विस, बोलते हैं कि इनपुट सर्विस बने तुम जिनसे परचेस करके प्रोडक्ट को बेचोगे। इसमें कुछ बोला है कि अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट। जैसे मानो आप अगर प्रमोटर हो, जैसे मानो इस एरिया में काफी प्रमोटर, ठीक है, पूरा कोलकाता में भरा पड़ा है, जहां पर भी थोड़ा सा जगह मिलता है प्रमोटर लोग जाके वहां पर बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुमको लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन चाहिए। रिसेंटली कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खिदीरपुर एरिया में एक बिल्डिंग गिरा है, पता है खबर है वो? बिल्डिंग गिर के खिदीरपुर में पूरा बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गया है और बहुत सारा लोगों का डेथ हुआ। अभी बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को खत्म कर रहा है, मैंने बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग को, बेलेघाटा में एक बिल्डिंग है, बेलेघाटा में उस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट बना हुआ बिल्डिंग को पूरा तोड़ रहा है केम्स। गया कोर्ट केस करो, प्रमोटर को बताओ, उसे अगेंस्ट में जाओ। इलीगल बिल्डिंग, इसीलिए तो बिल्डिंग खरीदने से पहले 10 बार देखना चाहिए। उस दिन मेरे घर पे एक दिन इलेक्ट्रिशियन काम करने आया, सुंदरबन का है उसका घर, तो मैं उसको बोला कि सुंदरबन जाते हो, इतना सुंदर जगह छोड़ के आ गया, सेब बाग निकलते है, टाइगर निकलते है, बोले हाँ घर पे आते। तो मैं बोला तुम जाते हो, बोलता है हाँ जाता हूँ लेकिन कम। बोले क्यों क्यों कम जाते हो, यहाँ घर खरीद लिया, जगह खरीद लिया। कहाँ? बोलते न्यू टाउन में। मैं बोले न्यू टाउन में घर खरीद जगह खरीदा और तुम इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि न्यू टाउन में जगह खरीदने के लिए तुम्हारे पास कम से कम करोड़ों रुपया होना चाहिए, अदरवाइज तुमको एक कट्ठा जमीन भी नहीं मिल सकता, ठीक है? तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 crore इन योर कॉर्पस, अदरवाइज यू कांट। तो मैंने उसको बोला कि भाई न्यू टाउन में कहाँ खरीदा, तो मैंने उसको डायरेक्ट एकदम चार्ज किया, हटगा से हमें किया गया, ठीक है? न्यू टाउन के आसपास में एक गांव है, बहुत ही नजदीक, एकदम पास में, जगह का नाम है हटगा, ठीक है? यहाँ से अगर साइकिल लेके जाओगे तो 20 मिनट लगता है, 1 घंटा मैक्सिमम। तो मैं बोला वहां पर तो सब पानी वाला जमीन है, तो बोला हाँ मेरा भी वही प्रॉब्लम हो गया, मैंने 18 लाख दिया, 16 लाख, एक एक कठा 8 लाख करके। हाँ बोले प्रॉब्लम क्या है, भले मैंने खरीद तो लिया पर अभी मैं उस जमीन पे काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकता। मैं बोले क्यों, बोलते जमीन तो पानी वाला जमीन है, उसको भराट करके मैंने उसको पूरा ये करके जो उसका ओनर है बेच दिया, लेकिन पानी वाला जमीन तुम ऐसे बेच नहीं सकते। मैंने जो बेसिकली वाटर बॉडी वाला जमीन है वो तुम किसी को बेच नहीं सकते, वो एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज है और जिसका है वो पर्सनली उसमें वाटर रिजर्वर का काम कर सके, लेकिन तुम वाटर वाला बॉडीज को ऐसे बेच नहीं सकते और वहां पर कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकते एज पर द रूल्स। तो उसमें अगर उसको बिल्डिंग बनाना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इतना सारा काम करेगा कैसे? तो इलेक्ट्रिक के लिए वो परमिशन के लिए जा रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है, अब क्या करोगे? बोले सोच रहे फिर से बेच दूंगा। तो बेसिकली वो फंस गया है, उसका 16 लाख गया। मैं उसको और पूछ लूंगा, बंदा सोच रहा है सुंदरबन से आके न्यूटाउन में जगह खरीद लिया, वो मन में ही सोच रहा है कहाँ का जमीन, क्या जमीन, उस जमीन में क्या होता है, उस जमीन का क्या लीगल राइट्स है, कुछ तो जानो रे बाबा, बिना जाने कुछ भी गांव में जमीन सारा बेच के यहाँ पर आके जरूर खरीदा होगा,
और सुंदरबन का दाम जमीन का क्या ही दाम होगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सर? तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये जो जो भी प्रोमोटर कोई बिल्डिंग बनाता है उसको डेवलपमेंट राइट्स चाहिए होता है, वो राइट कॉर्पोरेशन देता है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, जैसे कि सॉल्ट लेक में सारा जमीन 99 इयर्स का लीज पे होता है, किसी का प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं है, मतलब बाप का नहीं है, सिंपल बात है। सॉल्ट लेक में जिसका भी अपना फ्लैट है, घर है, सब 99 इयर्स के लीज में है। 99 इयर्स यूज करने के बाद उसको वापस रिन्यू करना पड़ेगा, और रिन्यू का चार्जेस कुछ कमती नहीं है। सर ये कल्चर है, ठीक है, जो भी हो, तो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये सब इनपुट सर्विस में नहीं आता। इसके अलावा सर लीज पे क्यों है 99 इयर्स का? हाँ, बोलो। लीज पे क्यों है, ऐसे क्यों होता है, मतलब वहां पे कोई खरीद क्यों नहीं सकता? सरकार ने उस जमीन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि किसी को भी इतना इजीली वो जमीन का मालिकाना या ओनरशिप नहीं देना चाहता है सॉल्ट लेक का। हाँ, मे बी ड्यू टू कुछ, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट पर्पस होगा या सिटी डेवलपमेंट पर्पस में होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सब सारा राइट पब्लिक को दे दो, पब्लिक उस जगह को पूरा खत्म कर देता है ना, शायद ऐसा कुछ रीजन होगा। ऐसे बहुत जगह में है हमारे देश में, कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो ये सब चीजों को छोड़ के, डेवलपमेंट राइट का खर्चा छोड़ के, लॉन्ग टर्म लीज का दाम को छोड़ के, अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, सलामी, डेवलपमेंट चार्जेस एक्सेट्रा, सलामी भी बोलते हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट एक देना पड़ता है उसको सलामी बोलते हैं, ये सब लैंग्वेज यूज होता है, तभी किताब भी लिखता है, लॉ भी लिखता है, ये तो अलग के कौन सा सलाम ठोक रहा है, ठीक है। अच्छा, FSI इंक्लूडिंग एडिशनल FSI, यानी ये फ्लोरिंग का कुछ एक चार्जेस होता है, इसको छोड़ के तो क्या आता है फिर? सर आता है used in supplying the service shall be purchased from registered person, माने तुमने जो भी प्रोडक्ट प्रोमोटिंग के लिए बना खर्चा किया, मैंने परचेस किया, वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही किया। माने मानो कि बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स लिया, सीमेंट लिया, किसी अनरजिस्टर्ड से लोगे तो तुमको ITC तो बिल्कुल नहीं मिले, और 1% का क्लेम तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, अनरजिस्टर्ड लोगों से नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सर? यही बात कर अनरजिस्टर्ड से नहीं, कम से कम मैंने मानो टोटल एक बिल्डिंग को बनाने में 1 करोड़ का खर्चा होगा, तो 1 करोड़ में से 80 लाख का खर्चा, ठीक है, 80 लाख का खर्चा रजिस्टर्ड से करना पड़े, बाकी 20 लाख इधर उधर का तुम अनरजिस्टर्ड से कुछ चीजें लेके कर सकते। बात समझ में आया? वही बात को यहाँ पर समझाने का कोशिश। सर अगर मानो नहीं करता है तो फिर रेट सर, तब रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट इनपुट सर्विस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80%, promoter has to pay GST on reverse charge basis under section 9 subsection 4 at the rate of 18% on all such inward supply. reverse charge category में हो जाएगा। reverse charge माने वो recipient है पर उसी को देना पड़ेगा, और वो भी rate कितना लग जाएगा, 18%, कहाँ उसको 1% का और 5% का सुविधा मिल रहा है। समझ में आया बात? Where the cement is received from an unregistered person, the promoter shall pay tax on supply such cement on reverse charge basis under section 9 subsection 4 and the applicable rate which is 28% at present. Moreover, GST on capital goods shall be paid by the promoter on reverse charge basis. Capital goods means machinery parts etc. under section 9 subsection 4 of the CGST Act at the applicable rates. Ab us capital goods ka jo bhi rate chalega, mano 28% agar hai, 28%. Mane bhai unregistered se karoge, phas jaoge. ठीक है, रजिस्टर्ड से करोगे 1% 5% का खेला में खेल सकते। समझ में आया? हाँ, बहुत सारा चीजें में डिस्कशन, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज मत देखो, टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कॉम्पोजिशन में बात करते, ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर।